on this platform uh, what he's going to talk about today is how to get diabetes mellitus into remission and how to get out of it which is really a fascinating topic this webinar is from the platform of pakistan medical association and the man behind the gun is our dear professor mulazim hussain saab and uh, there is uh, it is conducted by the Azad Jammu Kashmir Medical College, Women Medical College, in association with the Pakistan Physiological Society and the Pakistan Association of Pathologists and the South Asian uh, Society of Physiology. So we welcome Dr. Mubin Sayed and hope to gain a lot from his talk today, ta'ala. So over to you, Doctor Saab. Rashid Sir, please. Sorry, Rashid Saab, please. Talawat. سوري جزاك الله آه من من الشيطان بسم بسم الله الرحيم وَنُنزلُ مِنَ من مَا هُوَ هو وَرَحْمَةُ رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان عارة ولا بجانبه तर्जुमा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत वाला है। और हम वो कुरान नाजिल कर रहे हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत का सामान है ज़ालमों के हिस्से में इससे नुकसान के सिवा किसी और चीज का इजाफा नहीं होता और जब हम इंसान को कोई नेमत देते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू बदल लेता है और अगर उसको कोई बुराई छू जाए तो वो मायूस हो बैठता है और इसके हवाले से एक छोटी सी हदीस लाजमी समझता हूँ सही बुखारी की हदीस नंबर है पाँच छः सात आठ शिफा। ताला ने कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसके लिए शिफा न रखी गई हो सदा जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी डॉक्टर नबी थैंक यू वेरी मच सो असलम थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं भी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ uh, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है कॉन्टेंट है चुनाचे क्वेश्चन आंसर में हम ये कर सकते हैं कि जहां पर कहीं आपका कोई क्वेश्चन है वी कैन गो डीपर आप मुझे रास्ते में भी क्वेश्चन uh, पूछ सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस दिस हर एक जो टॉपिक है आज का मैं उसके ऊपर थॉरली प्रिपेयर हूँ बट आई एम गोना ट्राई टू मूव फॉरवर्ड जो मैं चाहता हूँ आज आपको प्रेजेंट कर सकूँ वो है कि डायबिटिस की पैथोजेनेसिस की जो मॉडर्न थ्योरी है वो क्या है एंड और अमेरिकन डायबिटिस एसोसिएशन कहाँ जा रही है डायबिट्स के रिमिशन के लिए और तीसरा ये कि क्लिनिकली क्या स्टडीज आई हैं अभी तक जो दिखाती हैं कि रिमिशन हुई है और उन्होंने क्या मैथड यूज़ की है रिमिशन के लिए और आखिर में आई विल प्रजेंट जब आप अपने पेशेंट से बात कर रहे हैं जो कि रेमिशन में जाना जाने की प्रेपरेशन कर रहे हो कि उनके साथ किस तरह से और क्या चीजों के उनको टिप्स देने ये डिस्कशन है इन माई ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन फॉर एनी वन इन द वर्ल्ड क्योंकि इससे डायबिटस से रिलेटेड जो पथोलॉजीज हैं रीनल इशू हाइपर टेंशन कार्डियोवास्कुलर इशू स्ट्रोक्स ये अगर हम डायबिटस को मैनेज करने में सक्सेसफुल हो जाएं तो हमें इन बाकी जो बीमारियां हैं उनसे भी काफी हद हाँ तक बेहतरी मिल जाती है। तो लेट्स स्टार्ट सो so, सबसे पहले ये क्विक मैं हमेशा रेफरेंसेस पहले दिखाता हूँ ये डॉक्टर डॉट कॉम है यहाँ पर मेरे लेक्चर्स पड़े हुए ये मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं। इनकी सबकी मैं आज बात करूंगा और मैं बहुत तेजी से जाऊंगा यहाँ पे सिर्फ आपको रेफरेंस दिखा रहा हूँ यह है इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटिस है अमेरिकन डायबिटस एसोसिएशन इसमें बैंटिंग लेक्चर्स बैंटिंग लेक्चर्स जो नोबेल प्राइज फ्रेडरिक नोबेल जो था उसका नाम था फ्रेडरिक बेंटिंग तो बैंटिंग के अमेरिकन डायबिटिस एसोसिएशन अगर कोई लेक्चर इतना अच्छा हो और उसमें कोई इतनी नई रेवल्यूशन आई हो तो उसको बेंटिंग लेक्चर कह, कहते हैं तो आप यूं समझिए कि ये नोबेल प्राइज बेस्ड लेक्चर हो सकता है तो ये एक लेक्चर है जो फाउंडेशन है मॉडर्न थियोरी ऑफ डायबिटीज एंड इट्स मैनेजमेंट तो ये है हाइपर इंसुलनीमिया कॉज और कॉन्सिक्वेंस तो मैं इसकी बात करूंगा ये भी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का है सॉरी डायबिटीज एसोसिएशन का है बेरियाट्रिक सर्जरी ये भी बेरियाट्रिक सर्जरी क्ली, क्लिनिक की बात है यहां पर ये जो है दिस इज न्यूट्रिशनल थेरेपी फॉर विद डायबिटीज और प्री कंसेंसस रिपोर्ट तो ये बहुत सारी जो एसोसिएशन है इंक्लूडिंग अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन यूरोपियन डायबिटीज एसोसिएशन और बहुत सारी और उन्होंने मिलकर एक कंसेंसस थेरेपी ऑफर की हुई है जो रिमिशन में ले जाने के लिए तो मैं इसकी बात करूंगा ये बात मैंने लास्ट टाइम भी की थी जब मैं मुजफ्फराबाद आया था इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने आउटलाइन किया हुआ डायबिटस रिमिशन का डायग्नोसिस तो जाहिर आप किसी चीज की रिमिशन या डायग्नोसिस की बात ही नहीं करेंगे अगर वो मुमकिन नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी रिमिशन की है तो उसके डायग्नोसिस की बात है और इसके बाद बहुत सारी स्टडीज हैं जो कि मैं आई जस्ट गो ओवर दम आप अगर देखें तो ये पूरा पेज भरा हुआ है इसको मैं बंद करता हूं और लेट स्टार्ट विद दी डिस्कशन सो आज की स्ट्रक्चर यह है कि सबसे पहले हमें पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटिस जो थ्योरीज हैं दो थ्योरीज हैं हम सारी उम्र जो पढ़ते आए हैं वो है थ्योरी ऑफ स्टारवेशन और अंडर फिलिंग की थ्योरी है मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा और जो मॉडर्न थ्योरी है वो है ओवरफिलिंग की थ्योरी जाती है तो उसकी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा में रिमिशन में जाती है। उसके बाद अमेरिकन डायबिटस एसोसिएशन की डिस्कशंस फिर स्टडीज़ हैं जिसमें उन्होंने मुख्तु थे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आज तक ये पढ़ते आए हैं और यहाँ पर यूएस में भी आज तक अभी भी मेन स्ट्रीम में यही बात होती है कि डायबिटस इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज एंड दैट इज बाय पैथोलॉजी इज ये बेसिक हम कहते हैं वो हाइपरग्लाइसीमिया की जो मैं बात कर रहा हूँ टाइप टू की टाइप वन की बात नहीं कर रहा और हाइपरग्लाइसीमिया की जो हम रीजन देते हैं वो कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो आप एक्चुअली इसको जाहिर है कि सब यहाँ पे टीचर्स हैं आपको मालूम है इस बात का आज तक जितने भी ये 1905 से सौ सो, सो सवा सौ साल पहले से डायबिटीज़ की बातें हो रही हैं मेडिकल लिटरेचर में आज तक हमें ये नहीं पता कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्यों है इन द करंट थ्योरी हम ये बात करते हैं कि इन्फ्लेमेशन से हो जाती है ये बात करते हैं कि अच्छा पी पी आर ए गामा जो पाथवेज हैं उससे हो जाती है लेकिन देर इज न तो मैं आपको थोड़ी सी उसकी आज डिस्कशन करूंगा कि असल में हाइपर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो है क्या तो आपका जो एक टेक अवे आज होगा वो होगा कि हाइपर इंसुलिनिमिया की वजह क्या है कॉज क्या है तो यहां से मैं शुरू करता हूँ वट कॉज इज रेजिस्टेंस एंड प्री डाइबिटिस ये है एन आई एच नैसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटिस एंडस्टिव मेडिसिन ये कहते हैं जी ये देखिए यहाँ पे रिसर्चर्स डोंट फुली अंडरस्टैंड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड प्री फ्री ये मॉडर्न मेडिसिन में भी अभी तक हम ये बात कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि क्यों रेजिस्टेंस होती है बट दे थिंक एक्सेस वेट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आर मेजर फैक्टर्स इसके बाद यहाँ पर इसी uh, जो स्टडी है इसमें वो बात करते हैं कि जी रिसर्चर्स यूज टू थिंक दैट फैट टिश्यू वाज़ ओनली फॉर एनर्जी स्टोरेज हाउ एवर स्टडीजी लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन में प्ले अ रोल इन इंसुलिन रेजिस्टेंस असल में ये इतनी एक्यूरेट बात नहीं है दिस इज अपिस िस क्या है कि जी फैट्स जब बनती हैं तो फैट्स में से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं इन्फ्लमेटोरी वो मीडिएटर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं कैन यू इमेजिन दिस कि हम ये थ्योरी लेके बैठे हुए आज तक नॉट गेटिंग इना फिजिकल एक्टिविटीज ऑल्सो लिंक टू इंसुलिन रेजिस्टेंस अब अगर कोई ये पूछे कि क्यों नहीं अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हुई है उसका मैकेनिज्म कहीं नहीं है हाउ डू डॉक्टर्स मैकेग्नोज इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डायबिटीज so, वो हमें सबको पता है ये कैसे हैं करते हैं ये जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये वो है जो हमारी करंट या क्लासिकल थ्योरी है अब हम जाते हैं बेंटिंग लेक्चर में बेंटिंग लेक्चर ये लिखा हुआ लेक्चर है डॉक्टर बारबरा ई कॉर्की का यहां पर ये नाम है इनका 2011 में इसने ये प्रेजेंट किया था और ये लेक्चर इतना इनोवेटिव और इतना ग्राउंड ब्रेकिंग था कि इस लेक्चर की वजह से आज हम रिमिशन की बातें कर रहे हैं इस एक लेक्चर के ऊपर अमेरिका में और कनाडा में और यूरोप में कुछ डॉक्टर्स ने किताबें लिखकर और कई मिलियंस के बिजनेसेस डेवलप किए हुए डायबिटीज के मैनेजमेंट के ये एक फाउंडेशनल लेक्चर है तो अगर हम में यहाँ पे ऑडियंस में से कोई भी इसको एक्सपर्ट बनना चाहे डायबिटस मैनेजमेंट एंड रिमेशन का तो जहां से शुरू करना है उन्होंने अपनी स्टडीज को वो इस लेक्चर से दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर वेयर दे सेड जो बारबरा है इन खातून ने कहा कि हम ये समझते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायबिटस पैथोजेनेसिस में कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद हाइपर इंसुलिनिमिया होता है कि जब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है तो बॉडी फिर और इंसुलिन बनाती रहती है ताकि ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजे ये है क्लासिकल थ्योरी इन्होंने कहा कि असल में ये लगता है कि मामला इससे उल्टा है वो उल्टा मामला ये है कि हाइपर इंसुल पहले प्रोड्यूस होता है डायबिटिस बाद में प्रोड्यूस होती है और रेजिस्टेंस बाद में प्रोड्यूस होती है और उसकी उन्होंने वजह क्या बताई उन्होंने ये कहा जो भी है, की भी है आधा जिसको डायबिटीज़ जावेद साहब आपका आप माइक ओपन है अच्छा तो जी उन्होंने ये कहा बारबरा ने कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इट दिस वे कि जनाब पहले किसी वजह से रेजिस्टेंस हुई और उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए बॉडी मुसल इंसुलिन बनाती है और उस इंसुलिन को मुसल बनाने की वजह से पेंक्रियाज भी बर्न आउट हो जाता है ये गलत थ्योरी है वो कहने लगी कि असल में बॉडी पहले इंसुलिन ज्यादा बनाती है गलती से एक्सप्लेन की क्यों ये समझती है कि ज्यादा बनाती है जब इंसुलिन ज्यादा बनती है जब हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है तो उसकी वजह से जो बाकी बॉडी है जिसमें इंसुलिन बढ़ी हुई है वो अपने इंसुलिन रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट करती है जब डाउन रेगुलेट करती है तो ऑफ कोर्स वी डू नॉट रिस्पोंड वेरी वेल टू इंसुलिन दैट इज वॉट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इट हैज नथिंग टू डू विद फर्स्ट बॉडी डेवलपिंग रेजिस्टेंस तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं अगर ये मैं आज समझा नहीं सका तो फिर बाकी सारा लेक्चर हो जाएगा सो so, इसमें बार अल्टरनेटिव मॉडल माई मॉडल इंड्यूस्ड एलिवेटेड बैकग्राउंड लेवलिन सुपर इम्पोजेबल जेनेटिक बैकग्राउंडलिन मैं आपको एक और इनका एक दिखाता हूं Taken together, these data suggest that agents that increase redox or generated reactive oxygen species result in stimulation of basal insulin secretion. These data further indicate that hypersecretion of insulin can be caused directly by ROS, and the ROS are essential and sufficient signal. What foods, inflammation, carbohydrates. जिससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज़्यादा प्रोड्यूस हो या हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हों जैसे हम पोल्यूशन में रह रहे हो हम स्ट्रेस में रह रहे हो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस हो रहे हो या जिससे कैल्शियम ज़्यादा बन रही हो या जिससे और फ्री फैटी एसिड्स ज़्यादा बनने शुरू हो जाएं। फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा फैट्स खाने शुरू कर दें कोई भी ऐसी चीज़ की वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ती है और जब वो इंसुलिन की सिक्यूशन बढ़ जाती है तो सेल्स अपने आप को डाउन रेगुलेट करते हैं और इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सेल्स को क्या जरूरत पड़ी है डाउन रेगुलेट करने की ठीक है इंसुलिन ज्यादा आ गई है तो उस पर ज्यादा काम कर लें इसका जवाब बार बार ने यह दिया हुआ है कि हमारी बॉडी अपने आप को होम्योस्टेटिक स्टेट में रखती है अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखती है एक स्टेबल स्टेट में रखती है अगर इंसुलिन का लेवल बड़ा हो और वो अपना एक्ट भी करती जाए तो द रिजल्टोज इन टू द सेल्स दैट वी विल डिप हाइपोग्लाइसीमिया चुनाचे बॉडी डज नॉट वॉन्ट टू गो इन हाइपोग्लाइसीमिया बिकॉज दैट कैन किल द बॉडी चुनाचे बॉडी ने दो मैकेजम डिवेलप किए कि एक तो जब हाइपर इंसुलिनिमिया होता है तो वो इंसुलिन के रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट करके रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है या कम कर देती दैट्स वन सेकंड बॉडी पैंक्रियाज के अंदर फैट डिपॉजिट कर देती फैटी पैंक्रियाज बना देती उसकी है उसकी वजह यह कि बॉडी कहती है कि अच्छा जहां से इंसुलिन आ रही है मैं उसको इफेक्ट करती हूँ एंड इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग फैट्स इन पैंक्रियाज कॉज इज द बीटा सेल्स टू माल फंक्शन यहां पर अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फैटी पैंक्रियाज है बीटा सेल्स माल फंक्शन कर रहे हैं और वो प्रॉपरली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो अगर आप ये फैट्स हटा दें तो बीटा सेल वापस काम करने लग जाते दिस मॉडर्न थ्यूरी और द न्यूअर थ्यूरी इज थ्योरी जिसमें हम ये कहते हैं कि बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं, और एक मरतबा जब वो खत्म हो जाए तो फिर हम दोबारा उनसे काम नहीं ले सकते यहां पर वो ये बात जरूर करती हैं कि अगर बहुत साल इसी स्टेट में बॉडी को रखा जाए हाइपर इंसुलनीमिया में और हाइपर ग्लाइसीमिया में तो इवेंचुअली पेंक्रियाज डैमेज होगा इवेंचुअली टाइप वन डायबिटिस सॉरी इंसुलिन डिपेंडेंट हो सकते हैं हम लेकिन मैं आपको आज स्टडीज भी दिखाऊंगा जिसमें बीस साल से इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स विद इन अ मंथ रिमेशन में चले जाते हैं सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर वो शख्स या खातून या मर्द जिसने कई सालों से इंसुलिन लिया है इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिमिशन में नहीं जा सकते तो आई होप कि जो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो ये है कि हाइपर इंसुलिनिमिया की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हाइपर इंसुलिनिमिया तो यहां पर अगर आप देखें इसमें आप वो ये बात करें इन समीज एविडेंसुलन बी अचीव थ्रू गैस्ट्रिक सर्जरी फैट लॉस वैलिडेशन ऑफ बटा सेल मीडियटेडिस्टेंस वीपर सिक्रीशन वुड लीड टू रेडिकली डिफरेंट एंड नोबल स्ट्रैटेजीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिटेंस ये कह रही है कि अगर हम ये बात मान लें कि हाइपर इंसुलनीमिया की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो हमारी मैनेजमेंट की जो अप्रोच है वो इंटायरली डिफरेंट हो जाएगी इसी पेपर को लेकर बहुत सारे डॉक्टर्स ने यहाँ पर अपनी अप्रोच को बदला है और वहां से हम पहुंचे हैं में ये इसने लिखा था बारबरा ने 2021 में एडीए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन इस स्टेज पर पहुंच गई कि उन्होंने कहा जी रिमिशन हो सकती है तो ये फाउंडेशनल पेपर है मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इट्स अ लॉन्ग पेपर अगर आप मुझे किसी वक्त Uh, ये uh, कहें कि मैं इस सारे को एक्सप्लेन करूं तो आप ये देखिए दिस इज ए क्वाइट लॉन्ग पेपर वेयर शी द न्यू पॉसिबिलिटी सो लंबा पेपर है इसको अकेले को बात करते हुए एक घंटा लग जाएगा लेकिन मैंने इसका एसेंस आपको प्रोड्यूस कर अगर अब अगर आपके जिन में एक और चीज होनी चाहिए कि कैसे हाइपर इंसुलनीमिया हुआ रिडॉक्स ऑपरेशन जब बढ़ जाए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जब बढ़ जाए तो उस वक्त इंसुलिन के लेवल बढ़ते हैं एक और चीज आजकल हम खाते हैं प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस फूड का मतलब है पुराने वक्त में हम गंदम ली और गंदम को हमने चक्की में पीसा तो उसमें गंदम का जो ग्रेन का वो उसके ऊपर कोट है वो भी है उसकी प्रोटीन भी है और उसकी जो भी सब्सटेंसेस है वो सारे प्लस कार्बोहाइड्रेट्स है आजकल हम क्या करते हैं वी मेक सुपर प्रोसेस्ड फूड्स हम वो ग्रेन उतार देते हैं उसका कोट उतार देते हैं और उसके अंदर से वाइट जो कार्बोहाइड्रेट है जो जो शुगर है, वो निकाल लेते हैं जितनी ज्यादा फूड्स को हम यूज कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हमें हमें ग्लूकोज स्पाइक्स आ रही हैं, उतना ही ज्यादा इंफ्लैमेटोरी स्टेट प्रोड्यूस होती है उतनी ही ज्यादा हाइपर इंसुलिन नहीं होता सो so, आज का जो ह्यूमन है हमारे अंदर इंसुलिन की जो आती हैं स्पाइक्स और ग्लूकोज की जो स्पाइक्स आती हैं वो पुराने की पर ज्यादा आती हैं क्योंकि हम एक तो खाते बहुत हैं स्नैक्स खाए बोतल पी चाय पी बिस्किट खाया सारा दिन हम खाते रहते हैं और दूसरी बात यह कि हम जो खाते हैं वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है अल्ट्रा प्रोसेस के अंदर चुनकर उन्होंने जो क्लेयर जिसको हम नेकेड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं जिसको हम वाइट कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं जिसको हम फुली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं जिसको कार्बोहाइड्रेट्स विद हाइपर हाइपरग्लाइसिमिक इंडेक्स कहते हैं वो हम खाते हैं जिससे हमें नुकसान होता अच्छा जी अब मैं इसे आगे जाना जाना चाह रहा हूं सो so ये देखिए इन दिस कॉन्सेप्चुअल मॉडल इंसुलिन रेजिस्टेंस इज कॉज बाय हाइपर एंड इज एन इंसुलट एडेपेशन टू द इंक्रीज नीड टू स्टोर फैट इन डीपोज टिश्यू विदाउट कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया ये एक सेंटेंस इस पूरे इनके जो आर्टिकल लिखे उसकी जान है ये कह रही हैं कि इस मेरे इस कॉन्सेप्ट में इंसुलिन रेजिस्टेंस इज कॉज बाय हाइपर इंसुलनीमिया पहले हाइपर इंसुलनीमिया हुआ फिर रेजिस्टेंस हुई हमारी क्लासिकल थ्योरी है कि पहले रेजिस्टेंस हुई तो फिर हाइपर इंसुलनीमिया हुआ अच्छा मैं ऐसे आगे चलता हूं ये बात काफी मरत मैंने कर दी इसके बाद एक चीज और आप अगर अपनी मैनेजमेंट को देखिए जो प्रैक्टिस करते हैं अगर आप मैनेजमेंट को देखिए तो आज हम किस तरह से डायबिटीज को मैनेज करते हैं हम मैनेज करते हैं ये लेफ्ट साइड पर वो तरीका है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डायबिटीज इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज इसको रोका नहीं जा सकता ये चलती जाती है हम ट्रीट कैसे करते हैं हम इस तरह की ड्रग्स यूज करते हैं जिससे इंसुलिन बढ़ती है हम एक वक्त में इस स्टेज पर भी पहुंच जाते हैं कि इंसुलिन देना शुरू कर देते हैं और हम लो फैट डाइट्स यूज करते हैं हाई कार्ब यूज़ करते हैं इसका रिजल्ट क्या है कि इन सारों से एक्चुअली इंसुलिन बढ़ती है अब अगर आप सोचिए कि इंसुलिनिमिया हाइपर इंसुलनीमिया से अगर पैथोजेनेसिस हो रही है और आप इंसुलिन ही बढ़ा दें तो बताइए आप उस शख्स का क्या हाल करेंगे और ये हमारा पूरी दुनिया में ये इस तरीके से ही हम ट्रीट करते हैं अगर आप राइट साइड पे देखें तो जब हम रिमिशन की बात करते हैं कि रिमिट कैसे हो सकती है डायबिटिस अगेन मैं टाइप टू की बात कर रहा हूँ टाइप वन में और मसाइल हैं, तो बेरियाट्रिक सर्जरी की अगर आप लें, बेरियाट्रिक सर्जरी उन लोगों में की जाती है जो मोरबिडली मौ, जिनकी लाइफ को इस बात से डर है कि बहुत ज्यादा ओबीस है वो उनके वो क्या करते हैं पुराने वक्त में वो बाईपास सर्जरी करके तो स्टमक काट देते थे वॉलट जितना जितना थोड़ा सा स्टमक रह जाता था इंटेस्टाइन को रिस्ट्रक्चर कर देते थे रिजल्ट ये था कि आप समझें कि पेशेंट फास्टिंग कर रहा है उसे कुछ खाया नहीं जाता था आपको पता है कि बेरियाट्रिक सर्जरी में और मैं भी आपको वो इसकी स्टडी सिखाऊंगा विद इन फाइव वीक्स ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी वो पेशेंट जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट डायबिटिस वाले थे उनकी इंसुलिन रुक जाती विद इन फाइव वीक्स ये नहीं कि अच्छा पांच साल बाद इसी तरह से जो इंटरमीडियंट फास्टिंग या फास्टिंग वाले लोग हैं उनमें भी इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है कम हो जाती उनमें दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती अब एक चीज में रखिएगा हम ये भी बात करते हैं कि अच्छा वेट लॉस कर लें या एक्सरसाइज कर लें और आज एक चीज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा वो है फास्टिंग इस सारी आज डिस्कशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आएगी वो दो हैं फास्टिंग एंड वेट लॉस तो क्वेश्चन ये कि फास्टिंग क्या बेहतर है एक्सरसाइज से या क्या फास्टिंग बेहतर है वेट लॉस से तो ये आई विल प्रूव टू यू कि फास्टिंग सबसे पहला हिस्सा है इसको बेनिफिट देने का रिमिशन करवाने का और मैं आपको केसेस दिखाऊंगा जिसमें 20 साल से इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स सिर्फ चार पांच महीने की अल्टरनेट डे पर 24 फोर आवर फास्टिंग से यानी सुबह खाया तो अगले दिन सुबह खाए रात को खाया तो अगले दिन रात को खाया सिर्फ इतने से विद इन फ्यू वीक्स इंसुलिन डिपेंडेंस उनकी खत्म हो जाती so है लो कार्ब डाइट ये बात हम करते हैं आजकल कर के मॉडर्न वक्त में हम कहते हैं जी अपनी कार्बोहाइड्रेट की डाइट को कम कर लें 1980s, 90s में कम से कम यूएस में कहा जाता था कि फैट डाइट कम करें अब फैट डाइट कम करने की एक्चुअली बात नहीं फैट एक्चुअली होनी चाहिए फूड के अंदर कार्ब को कम करना है और उसकी डिस्कशन करेंगे ये जितने काम हैं बेरियाट्रिक सर्जरी या फास्टिंग इंटरमीडियंट फास्टिंग लो कार्ब इन सारों से एक्चुअली इंसुलिन कम होती है आप हम सब इस वक्त जो रमज़ान में है हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त बॉडी में चेंज है वो है इंसुलिन लेवल्स कम है अगर हम वो बहुत ज्यादा खा पी ना रहे हो सुबह और रात को कुछ जगहों पे तो मैं देख रहा हूँ कि रेगुलर टाइम से भी ज्यादा खाते हैं अगर हम नॉर्मल जो फास्टिंग का तरीका है उस तरीके से करें यानी फास्ट करें तो इंसुलिन लेवल कम होते हैं जब इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं तो फिर हमें बेनिफिट आना शुरू हो जाता है रिमिशन का और आप देखेंगे कि ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं ये इसलिए नहीं है कि ग्लूकोज लिया कम जा रहा है ये इसलिए कि इंसुलिन लेवल्स कम हो रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा चुनाचे ऑन द राइट साइड रिमिशन में हम ट्रीट नहीं करते पेशेंट को इंसुलिन देकर इंस्टेड हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को फास्ट करवाकर इंसुलिन के लेवल कम करके ये फर्क है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में और मॉडर्न मैनेजमेंट में तो अब कैन दिस रियली रिमिट तो यहां पर ये ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी है मैं आपको एग्जांपल्स देने लगा हूं कि क्या रिमिशन हो सकता है या नहीं बेरियाट्रिक सर्जरी की ये अगर आप देखिए तो ओबीसीटी एंड कहा है ये इट हैजन ईयर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्बिट ओबिस दस साल से हमें नजर आ रहा था कि जब मॉर्बिड ओबिसिटी के लिए किसी को बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं उसके स्टमक का बाईपास करते हैं तो उसकी इंसुल डायबिटिस ठीक हो जाती ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर डायबिटिस ठीक हो ही नहीं सकती तो आप सर्जरी कर लें आप ग्लूकोज कम कर लें आप फैट्स बढ़ा लें वट एवर यू डू वो ठीक नहीं होगी वो चलती जाएगी स्लो हो जाएगी यहां पर हम बात कर रहे हैं रिमिशन की अगर आप उसके बाद यहाँ नीचे देखिए बाईपास प्रोसीजर्स और उसने मुख्त प्रोसीजर्स के नाम दिए हुए

तो वंस अगेन जहिर हम हरे को ये तो नहीं कहेंगे ना कि जाके सर्जरी कर लो सर्जरी का इक्वल क्या चीज है फास्टिंग इंटरमीडियंट फास्टिंग करें लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने की इस मैसेज में वो ये है कि अगर फास्टिंग कर रहे हैं बेरियाट्रिक सर्जरी इज फास्टिंग अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो एटी टू हंड्रेड परसेंट पेशेंट नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो अगर कोरोना प्रोग्रेसिव डिजीज है अगर पैनक्रियाज काम करेगा ही नहीं तो फिर नॉर्मलाइज कैसे हो सकते हैं तो यहां पर ये वो कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स हैं आपके लिए टू चेंज योर ओन माइंडसेट कि ये रिमिशन में जा सकती है और मेरे सामने ये मिसालें हैं उसके आगे देखिए स्टडीज हैव शोन दैट रिटर्न टू यू ग्लाइसीमिया नॉर्मल ग्लूकोज लेवल्स एंड नॉर्मल इंसुलिन लेवल्स अकर विद इन डेज आफ्टर सर्जरी विद इन डेज दिन दस दिन अब आप ये कहें कि अच्छा ये बिकॉज ऑफ बैरियाट्रिक सर्जरी की है तो उसकी वजह से वेट लॉस हुआ है उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हुई है तो भाई वो पांच दिन में तो वेट लॉस नहीं हो जाता वो दस दिन में वो चार वीक में वो पांच वीक, वीक में ऐसे तो नहीं वेट लॉस हो जाता इट टेक्स मंथ्स एंड मंथ्स आफ्टर द बेरियाट्रिक सर्जरी फॉर द वेट टू लूज तो अगर वेट लॉस से ही मैनेजमेंट होनी थी तो फिर वो पांच महीने छह महीने साल बाद जाके फर्क पड़ता यहाँ पे पांचवें दिन दसवें दिन फर्क पड़ जाता उसकी वजह क्या है फास्टिंग शुरू होगी जो ही फास्टिंग शुरू होती है इंसुलिन लेवल ठीक हो जाते हैं या कम हो जाते हैं जो ही इंसुलिन लेवल कम होते हैं रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है जो ही रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है तो हाइपरग्लाइसीमिया खत्म होना शुरू हो जाता है एक और स्टडी देखिए बैरियाट्रिक सर्जरी फॉर ट्रीटिंग डायबिटस इस पेपर में उन्होंने पूछा सर्जरी ट्रीट टाइप टू डायबिटिस और मैंने नीचे ये हरे रेफरेंस दिया है। और मैं रेफरेंस को भी भेज दूंगा डॉक्टर ऑफ शुगर इन द ब्लड अब ये क्लिवलैंड uh, क्लिनिक है उन्होंने इसको फास्टिंग के साथ नहीं कनेक्ट किया उन्होंने कहा जी ब्लड शुगर लेवल कम हो गया असल में इंसुलिन लेवल कम हुआ है जिसकी वजह से बाकी जो है वो इफेक्ट्स आते हैं सो so ये बात होगी अब तक हमने क्या बात कर ली कि हाइपर इंसुलिनीमिया प्राइमरी कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस की बिल्कुल ऐसे जैसे आप निकोटीन अगर यूज करें तो वो ऐसा ऐसा डाउन रेगुलेट हो जाएगी इसी तरह से इंसुलिन अगर ज्यादा है तो वो डाउन रेगुलेट होकर रेजिस्टेंस बन जाती है और ये होम्योस्टैटिक uh, मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया दूसरी बात मैंने आपको अभी दो सर्जरीज केसेस दिखाए हैं जिसमें के बैरियाट्रिक सर्जरी के विद इन डेज जो हाइपर इंसुलिनिमिया है वो खत्म हो जाता है और डायबिटिस नॉर्मल ग्लूकोज लेवल्स पर चली जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ फास्टिंग अगर और जो मैंने आपको एक प्रेजेंट किया अगर ये वेट लॉस की वजह से ठीक हुआ था तो जब तक वेट लॉस होता नहीं तब तक ठीक ना होता लेकिन ये तो विद इन फाइव टेन डेज रिजल्ट आने शुरू हो अब हम जाते हैं अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के वो क्या कहती है न्यूट्रिशन थेरेपी न्यूट्रिशन थेरेपी फॉर एडल्ट्स विद डायबिटीज और प्री डायबिटीज सो ये एक स्टडी है जो इसमें ए में मौजूद है इसमें उन्होंने क्या किया द नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन फॉर्मली द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन

आप इन्फेक्शन को और इन्फेक्शन से ट्रीट करें तो इसको उलट करें और तब से लेके बीस तक साल लगे कि जब डायबिटीज को एडीए ने ये कहा कि यस हम इसको फूड से ठीक कर सकते हैं, तो ये मैंने सिर्फ एक टेबल का ऊपर का हिस्सा यहाँ पे दिखाया हुआ टेबल थ्री जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ तरह की फूड्स के चेंजेस को डिस्कस किया हुआ तो मैं आपको वो इसका लिंक भी दिखाना चाह रहा हूं वो ये है सो so, ये न्यूट्रिशनल थेरेपी फॉर विद डायबिटीज और प्री डायबिटीज इसको अगर मैं जरा सा बड़ा करूं इसमें अगर आप इन टेबल्स को देखिए टेबल थ्री को तो इसमें इन्होंने बात ये की भी है कि लोग मुख्तलिफ तरह की फूड्स खाते हैं कोई मेडिटेरेनियन फूड खाता है कोई वेजिटेरियन खाता है कोई लो फैट कोई हाई फैट वट तो उन्होंने कहा कि आप एज ए डॉक्टर एज ए फिजिशियन कोई किस तरह के स्टाइल की फूड खाता है उसको क्या कहना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको एक मरतबा पढ़ लीजिए एट द एंड ऑफ द डे आज की जितनी बात है उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो चीज कन्वे करने वाली है सबसे पहले है फास्टिंग उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स लो और नॉर्मली जो फैट्स हैं उनको ख़त्म नहीं करना एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट फैट शुड बी देर इसी तरह से प्रोटीन्स को ख़त्म नहीं करना दीज शुड बी देर जब ख़ाली कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हम चलते हैं तो फिर मसला होता तो है मैं आखिर में आपको कुछ टिप्स दूंगा कि पेशेंट के साथ कैसे ये डिस्कशन करनी है तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टेबल है कि आप इसको एक मरतबा देख लीजिए कि जिस तरह की फूड कोई खाता है उसके लिए क्या सजेशंस हैं इन्होंने उसका टेबल बना के दिया हुआ है और उसके रिजल्ट दिया हुआ है कि क्या रिजल्ट आएगा जब आप उस सजेशन को देखेंगे सो दिस इज एक्चुअली द वेरी फर्स्ट टाइम अमेरिकन एसोसिएशन न्यूट्रिशनल सजेशन टू ट्रीट डायबिटिस अच्छा जी अब हम चलते हैं वापस So, एक तो ये हो गया उसके बाद ये है बीस सौ इक्कीस इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आउटलाइन डायबिटस रिमिशन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसमें अगर आप देखिए तो वो कहते हैं पीपल विद टाइप टू डायबिटिस शुड बी भीड इन रिमिशन आफ्टर सस्टेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर थ्री मंथस और मोर अकॉर्डिंग टू अर न्यूसिस स्टेटमेंट बाई अमेरिकन डायबिटिस एसोसिएशन द एंडोक्राइन सोसाइटी द यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ डायबिटिस एंड डायबिटिस यूके जॉइंटली पब्लिश इन डायबिटिस केयर सिर्फ हमारे नहीं यूरोप भी शामिल हुआ यूके भी शामिल हुआ और इन सारों ने मिलकर ये मैसेज दिया कि जनाब रिमिशन हो सकती है और रिमिशन होने का क्राइटेरिया ये है वो मैं आपको क्राइटेरिया दिखाता हूँ कि क्या मैंने अभी तक यह बात नहीं की कि रिमिशन करवानी कैसे मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ अभी तक और विल गो टू द रिमिशन इन अ फ्यू सेकेंड्स यहां पर ये क्राइटेरिया जी यानी अगर आप क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने अपने पेशेंट से कहा कि जी हम ये चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज को रिमिशन में लाएं तो आप क्या लैब्स कर रहे हैं या क्या मॉनिटर कर रहे हैं जिसमें आप डिक्लेयर कब करेंगे कि रिमिशन में आ गए तो वो ये हैं रिमिशन शुड बी डिफाइंड एज ए रिटर्न ऑफ एच बी ए वन सी टू लेस देन सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट अब कुछ लोग हैं जिनमें एच बी ए वन सी जो है वो वो नहीं होता रिलायबल। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल डिजीज में जो की आरबीसी का टर्न ओवर इज फास्ट तो हम वो तीन महीने के एवरेज नहीं ले सकते एच बी ए वन सी से तो वी कैन नॉट एक्चुअली लुक एट हिमोग्लोबिन पर अगर आप ये देखिए नंबर टू वेन एच बी एवनसीबल मार्केट ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोल फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज ऑफ लेस वन ट्वेंटी सिक्स मिलीग्राम और एस्टिमेटेड हिमोग्लोबिन लेस पॉइंट फाइव परसेंट Is the इसी तरह से उन्होंने टेस्टिंग की बात की भी है सब टेस्टिंग की बात की भी है और उसके बाद रिमिशन डू टू एडवांस एंडिवर्सिटी अब यहां पर यह बातें हो रही है कि ये ज्यादा कॉमन होना चाहिए रेमिशन को so यह बात हो गई ये मैंने भी आपके सामने पढ़ा अब हम जाते हैं कि इंटरवेंशन हैं क्या क्या स्टडीज हैं क्या तरीके हैं लोगों ने जो किए हैं जिससे उन्होंने हेल्प किए तो देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं दोबारा आपके सामने रखने लगा हूं एक मिनट के लिए मैं इसको रोकता हूँ शेयर करने को लेट्स कीजिए कि मैं डायबिटीज को कंट्रोल करता हूँ एक्सरसाइज से तो एक्सरसाइज में जो टिश्यू मेरे यूज हो रहे हैं जो उसको खाएंगे ग्लूकोज को वो मसल्स हैं और ये ऐसा नहीं होता नॉर्मली एक्सरसाइज में वी आर बॉडी बिल्डर्स और वी आर वेट ट्रेनर्स और वी आर मैराथन रनर्स कि हम पूरे बॉडी के हर मसल को फुल एक्सरशन में ला सकें ऐसा नहीं है चनाचे आप अगर कभी देखिए एप्पल वॉच के साथ देख लें अगर आप वॉक कर रहे हैं या वो जो मशीन हैं जिनके ऊपर आप वॉक करते हैं उनके देखें तो आप जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बड़ी आहिस्ता से कैलरीज इस्तेमाल हो रही होती है आप चालीस मिनट वॉक करते हैं तो वो कहते हैं जी हंड्रेड टेन कैलरीज आप एक क्वार्टर नान खाते हैं तो हंड्रेड टेन से ज़्यादा कैलरीज आपने खा ली होती हैं तो वो चालीस मिनट की वॉक के बाद भी ख़त्म नहीं होता

Uh, एक डॉक्टर अमीर साहब का एक क्वेश्चन आया क्योंकि दरमियान में तो उन्होंने कहा जी मैं कंट्रोल्ड डाइट पे हूँ और मैं मेडिसन नहीं ले, ले रहा मेरी उसके अंदर चैट पे आ रहा है तो बताएं मैं क्या इसके लिए करूँ आगे डेयर सर आई है लास्ट थ्री टू फाइव ईयरस एंड माई एच बी वन सी फाइव पॉइंट फाइव

और मैं जो है ना ब्रेड और राइस और ये चीजें बिल्कुल मैंने थ्री एंड हाफ ईयर से नहीं ली और आई यूज वेजिटेबल्स और मीट और चिकन और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स भी सिलेक्टिव से हैं गुआबा और बेरीज और इस तरह के सो और सैलड भी मैं यूज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी जो ए वन सी है वो सिक्स से नीचे है फॉर लास्ट थ्री पॉइंट फाइव ईयर सो so, अल्हम्दुलिल्लाह so that is a remission that is a yes. called remission अच्छा डॉक्टर मैं भी इसी तरीके से मेरा ब्लड प्रेशर रिमिशन में चला गया फिर हम the last four five months I... I'm not taking any uh, uh, अपना मेडिसिन यानी मेरा ब्लड का ब्लड प्रेशर है ऑलमोस्ट कंट्रोल नार्मल यंग तो वो मेरी ख्याल है मेरी डाइट और एक्सरसाइज की वजह से है एब्सोल्यूटली sir मैं उसके sir मैं कैमलाजिन साहब हाँ दे हाँ सर बस थोड़ा थोड़ा रिक्वेस्ट ये है कि लेट डॉक्टर हिज प्रेजेंटेशन तो वो फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है तो बड़ा मजा आ रहा था नहीं उसमें डॉक्टर मुबीन ने कहा था कि दरम्यान में कुछ सवाल आ जाए तो पूछ जी जी सर कैसा सजा जो राइट चले अगला सवाल एंड पे डॉक्टर थैंक यू थैंक यू जी ठीक है मैं मैं एक दो सिर्फ कमेंट देना चाह रहा हूं ताकि ये जो बात अभी हुई है ये कंप्लीट हो जाए एक तो ये कि यस दिस इज़ ग्रेट कि आपके पास जो रिमिशन है देखिए सबसे अहम चीज़ जो सोचने की है वो जब हमें डायबिटीज होती है तो वो ये नहीं है कि परसों हमारा पेंक्रियास खराब हुआ तो आज डायबिटिस हो गई डायबिटीज में जो ओवरफ्लो की थ्योरी है उसमें यह कि हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर्स बढ़ते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता वी रीच अ पॉइंट कि जहां पर हमारे पास इतनी स्टोरेज बढ़ जाती है कि जब आप उसके ऊपर मजीद इंसुलिन डालते हैं तो सेल में ग्लूकोज भेजने की जगह नहीं होती तो वो ग्लूकोज बाहर ही रहता है ये है ओवरफ्लो थ्योरी तो वो जो ग्लूकोज फिर बाहर है एक तो वो डैमेज करता है पैथोजेनेसिस करता है बिकॉज ऑफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस बिकॉज ऑफ नॉन एनजेमेटिक लाइकेशन लेकिन उसके साथ साथ वो ग्लूकोज फिर जाके तो फैट्स में भी कन्वर्ट होता है फैट में जब कन्वर्ट होता है तो एक नई मॉडर्न थ्योरी है जिसको कहते हैं कि टू साइकिल थ्योरी टू साइकिल थ्योरी या टू सर्कल थ्योरी उसमें ये कहा जाता है कि पहले लिवर फैटी हो जाता है फिर जब लिवर फैटी होता है तो वो कहता है यार ये फैट्स को यहां से निकालो मैं नहीं इतनी फैट्स रख सकता तो जब वो फैट्स ट्रांसपोर्ट होती हैं बॉडी में तो जिसम में वो भरनी शुरू हो जाती हैं फैट्स विसरल फैट्स में मर्दों में विसरल फैट ज्यादा औरतों में हिप्स और लेग्स पे फैट ज्यादा इसके साथ पैंक्रियाज पे फैट्स चेड़नी शुरू हो जाती हैं दैट इज़ द सेकेंड सर्कल जब ये दो सर्कल पूरे हो जाते हैं फैटी लिवर एंड फैटी पेंक्रियाज तो फुल ब्लोन डायबिटिस हो जाती है जब हम इसको रिवर्स करते हैं जैसे भी एक ऑडियंस uh, मेंबर ने कहा कि जी मैंने इतने सालों से रिवर्स की हुई है तो वो ऐसे ऐसा स्टोर नीचे जाते हैं अगर हम फिर वही बे करें तो हमें फिर कुछ साल लगेंगे और हम फिर दोबारा डायबिटिक हो जाएंगे यानी इट इज़ एक्चुअली अ एक डायटरी डिजीज एंड नॉट ए पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम अगेन टाइप वन की मैं बात नहीं कर रहा तो एक तो ये मैं बात इसको ऐड करना चाह रहा था और दूसरी बात ये सर जो आपने बात की मुलाजिम साहब के जो आपकी वो है रिमिशन है हाइपरटेंशन की इंसुलिन जो है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जो मैंने कभी पैथोजेनेसिस में बुक्स में नहीं पढ़ी और ये लिटरेचर में है स्टडीज में है हाइपर इंसुलनीमिया का एक डायरेक्ट इफेक्ट विदाउट हाइपरग्लाइसीमिया एक डायरेक्ट इफेक्ट है हाइपरटेंशन और वो इफेक्ट किस तरह से है कि जो इंसुलिन है उसका काम है एंडोथेलियल सेल के साथ इंटरैक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को मॉड्यूलेट करना ये इंसुलिन का डायरेक्ट इफेक्ट है विदाउट ग्लूकोज मॉड्यूलेशन एक्सीलेंट जब इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो दैट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द एंडोथेलियम टू कॉज हाइपरटेंशन एंड वैसो तो जब हाइपर इंसुलिनिनमिया काम करते हैं आप

जो मुख्तलिफ लिटरेचर और मुख्तलिफ स्टडीज में लोगों ने यूज करके रिमिशन किए ये सब रिमिशन वाले हैं इसका मतलब यह है कि जब आप अपने पेशेंट के साथ बैठे तो आप ये देखेंगे कि पेशेंट की क्या हालत है वो कितने उबीस हैं नहीं उबीस हैं और उनको कितनी किस तरह की रिमिशन सूट कर सकती है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके जहन में होनी चाहिए अगर आप एक दीवार की तरफ चलें दीवार की तरफ चलें तो आपके चेहरे का या सीने का दीवार पे लगने से पहले अगर पेट लगे तो दैट पर्सन हैज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम बड़ा ही सिंपल सा तरीका ये वो रूल ऑफ थंब समझ लीजिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि दे आर इन डायबेटिक स्टेट आइदर इधर और प्री डायबिटिस वो डायबेटिक हो जाएंगे अगर पेट का गर्थ जो है वो बढ़ गया दूसरा तरीका जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि अगर वेस्ट का साइज अगर वेस्ट का साइज हाइट के आधे से ज्यादा है तो भी वो डायबिटीज में चले जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का साइज है छ फुट तो वो बहत्तर इंच बना आई थिंक इंच बना करेक्ट ट्वेल्व सेवेंटी टू इंच तो अगर वेस्ट जो है वो थर्टी सिक्स से ज्यादा हो गई है तो देन दे आर ऑलरेडी प्री डिस्पोज टू वर्ड्स डायबिट्स तो ये इंपॉर्टेंट है स्पेशली मेन में दूसरी बात यह कि मेन के अंदर विसरल फैट अगर ज्यादा हो तो दे हैव अ हायर चांस ऑफ डेवलपिंग डायबिटिस कंपेयर टू वो फैट जो आ, वो है सबकुटेनियस फैट है सबकुटेनियस फैट को आप पिंच कर सकते हैं यू कैन पिंच एंड जिगल इट यू कैन मूव दैट फैट अगर पेट फॉर एग्जाम्पल बड़ा है लेकिन अगर आप स्किन को पिंच करें तो उसके नीचे फैट आप नहीं पकड़ सकते तो दैट इज फैट फैट इज सपोज टू बी मोर डेंजरस फॉर फॉर औरतों में हिप्स के ऊपर और टांगों पर ज्यादा इकट्ठी होती है फैट कंपेयर टू विसरल फैट इन मैन और जो औरतों में विस्तरल ये जो फैट है ऑन हिप्स एंड लेग्स दैट इज एक्चुअली लेस डेंजरसर टू दिस्टुल मैन तो ये कुछ चीजें रखकर दो लेट सुट दहला मैथड है यहाँ पर पोशन कंट्रोल ये स्टडी है न्यूट्रिशनल बेसिसन अब हम जितनी भी स्टडीज की बात करेंगे वो रिमेशन की बात करेंगे टाइप टू डायबिटस मलाइटस वॉज वॉट टू बी इन रिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव बट सीरीज ऑफ क्लिनिकल स्टडीज ओवर दास्ट ट

एनीवेज इस स्टडी में वो जो बात कर रहे हैं वो ये है कि विद इन टेन ईयर्स ये बात किस बेसिस पे कर रहे हैं टेन ईयर्स में पेंक्रियाज के ऊपर अगर फैट्स आई हैं वी हैव डेवलप्ड द फैटी डिप्डी रिमेंबर टू सर्कल थ्योरी हाइपर सॉरी फैटी फैटी लिवर देन पेंक्रियाज टेन ईयर्स ओनली अलाउज इनफ फैटी पैंक्रियाज के उसके फंक्शन खराब होता है लेकिन पैंक्रियाज खुद खराब नहीं होता सो so ये जो बर्न आउट थ्योरी है दैट इज एक्चुअली नॉट द बेस्ट

अल्टरनेट डे ऑफ फास्टिंग एम्स फॉर रफली ट्वेंटी इनटेक ऑफ फूड एनर्जी दाइव टू टू डाइट रिड्यूस इनटेक हंड्रेड कैलोरीज ईच वीक सो ये मैं असल में जो बात है कर रहा था पहले मैं सॉरी दोबारा इसको रोकने लगाऊ हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज की मुझे अब याद आया कि मैं वहां पर था तो आई फरगॉट एक्सरसाइज ही बात कर रहे थे एक्सरसाइज में आपने कुछ टिश्यूज को मूव किया जरूरी नहीं कि आप जब वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप मैराथन रनर या बॉडी बिल्डर्स की तरह से हर मसल को मूव करें रहे हैं चुनाचे कम कैलोरीज यूज हुई और कम ग्लूकोज यूज हुआ अगर आप फास्ट कर रहे हैं जरा सोचिए एक लम्हे के लिए आजकल हम सब फास्ट करें परस कीजिए कि आपने बहुत हैवी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और बहुत हैवी डिनर भी नहीं किया फास्ट कर रहे हैं तो सुबह से लेकर रात तक आपके पास न्यूट्रिशन नहीं है जब बहुत ही कम है फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह एक वो हमने कोई ईरानी कबाब रखे हुए वो और एक अंडा दैट्स अबाउट इट बात में वो खाली एक अंडा तो बेसिकली तो आप हंगर की स्टेट में उस स्टेट में आप बताइए कि हमारे पास बाहर से किसी भी तरह की एनर्जी है जो पूरा दिन निकलवाए तो नहीं है तो फिर कहां से आएगी नंबर वन इंसुलिन लेवल्स विल बी वेरी लो नंबर टू बॉडी को जितनी भी जरूरत है कितनी जरूरत है कम अज कम हजार दो हजार कैलोरी तो चाहिए उसको हमारे पास जो बॉडी की जरूरत है उसमें क्या है एक तो बेजल मेटाबॉलिक रेट है कि अगर मैं सारा दिन बैठा रहूं कुछ भी ना करूं लेटा रहूं तो उसमें जो एनर्जी चाहिए बॉडी के सेल्स को अपना जिंदा रहने के लिए वो बेजल मेटाबॉलिक रेट है उसके ऊपर अगर मैं कुछ भी मूवमेंट कर रहा हूं किसी भी तरह की उसके लिए अलहदा एनर्जी चाहिए तो खाली बेजल मेटाबॉलिक रेट हम में से अक्सर लोगों का 1500-2000 कैलोरी कैलरी है वो कहां से आएगी एक अंडा खाया हुआ है तो वो आएगी पहले ग्लाइकोजन से मैं आपको एक स्टडी दिखाऊंगा कि उन्होंने लोगों से कहा 22 दिन रोजे रखो फास्टिंग करो और जरूरी नहीं कि वो हमारे रमदान वाले रोजे फास्टिंग वाले दिन रोजे इंटरमीडियो पहले तीन दिन ग्लाइकोजन स्टोर से एनर्जी आई हमने गाइटन वगैरह की बुक्स में पढ़ा हुआ था कि ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है ग्लूकोज की विद इन फिफ्टीन मिनट्स सर्कुलेशन में से खत्म और आधे घंटे के होता है लिवर के अंदर मसल्स के पास अपनी ग्लाइकोजन पड़ी हुई है लेकिन चूंकि मसल्स में वो नहीं होता है तो उसका जो ग्लूकोज है वो बाहर नहीं निकलता वापस वो उसी के इस्तेमाल में आता है तो मसल कंट्रीब्यूट नहीं करते ग्लूकोज को तो हमें पड़ा हुआ था आधा एक घंटा जो लेटेस्ट स्टडीज <खँँगे> है वो ये कि ग्लूकोज के जो स्टोर हैं ग्लाइकोजन के जो स्टोर हैं वो दो से तीन दिन तक हेल्प करते रहते हैं उसके बाद वो मामला खत्म हो जाता है ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाती फिर हम फैट से उठाते हैं तब तो आप सोचिए कि आप डेली हजार कैलरी भी अगर फैट से उठा रहे हैं तो आपने फैट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया साथ में इंसुलिन के लेवल कम हो गए ये चीज सबसे अहम है ये एक्सरसाइज से नहीं हो सकती आप एक्सरसाइज के अंदर यह नहीं कह सकते कि फैट से ही आए वो जो ग्लूकोज मौजूद है वो खाले का मसल एंड अगर आप हंगर में नहीं है अगर आप फास्टिंग में नहीं है तो सबसे अहम चीज फास्टिंग है अच्छा मैं वापस जाता हूं आप so, यहां पर डेली आल्टरनेट डे डेली so फास्टिंग ये जो ये वाली स्टडी थी रोज की फास्टिंग या अल्टरनेट डे आज रेगुलर खाना खाया कल फास्ट किया फास्टिंग एम्स फॉर रफली ट्वेंटी एनर्जी तो आज मैं जितनी खुराक खाता हूं उससे पच्चीस परसेंट कम ये कुछ ज्यादा नहीं है पच्चीस परसेंट कम द फाइव टू टू डाइट रिड्यूस इनटेक टू फाइव हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड कैलोरीज ए डे फॉर टू डेज ईच वीक सो ये एक और तरीका फाइव टू टू इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि पांच दिन आपने क्या कर लिया फाइव हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड पूरा खाना अब देखिए ये कितने आसान फास्ट हैं दो दिन कैलोरी कम की है पांच सौ से सात सौ यानी डेफिसिट में लेके गए फर्ज कीजिए मेरा बेजल मेटाबॉलिक रेट है पंद्रह सो उसके ऊपर मेरी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए और हजार चाहिए तो मुझे पच्चीस सौ चाहिए मुझे आप ले जाते हैं पांच सौ से सात सौ एक दिन में तो बाकी मैंने कहां से निकालना है मैंने वो फैट कहा जाके निकालना है पहले ग्लाइकोजन से निकालूंगा फिर फैट से तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा करूं इंसुलिन लेवल कम है इंसुलिन लेवल कम होने के अपने फायदे हैं अच्छा सो वाइल्ड टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग लिमिट्स ईटिंग टू विद इन ए सिक्स टू एट आवर विंडो ईच डे फॉर इंस्टेंस ईट बिटवीन टीएम अब मैं ये भी अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जो फास्टिंग की विंडोज है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में एक बड़ी अहम चीज फास्टिंग के साथ ट्रिगर होती है वो है ऑटोफेजी इसकी बात हमने पहले की थी ऑटोफेजी की तीन टाइप्स है ऑटोफजी में हो क्या रहा है कि सेल अपने अंदर से जो कुछ मिलता है वो खा रहा है एक है मैक्रो ऑटोफी जो आठ घंटे के हंगर से आती है एक है माइक्रो ऑटोफी जो कि आठ घंटे के ही हंगर में आती है लेकिन आखिर में उसके आती है। और एक है मीडिएटेड ऑटोफिजी या सी हम उसे कहते हैं जो चौदह घंटे के हंगर से आती है चुनाची जब आप फास्ट कर रहे हैं डायबिटीज़ को रिमेट करने में तो आप अपने ऊपर एक और भी मेहरबानी कर सकते हैं आप आपका पेशेंट कि वो अपनी हीलिंग को तेज कर सकते हैं इम्यून सिस्टम के कुछ डिस्टर्बशन हैं जो कि डायबिटीज़ में अक्सर हुई होती हैं उनको बेहतर कर सकते हैं अगर उनके फास्ट का साइज चौदह घंटे से बढ़ाओ इसका मतलब क्या है देखिए अगर रात को छह बजे खाना खाएं और सुबह आठ बजे खाएं तो चौदह घंटे बनते हैं रात को छह बजे खाएं और सुबह दस बजे खाएं तो सोलह घंटे बनते हैं यहां पर अक्सर लोग रात को हम लोग यहाँ पे छ बजे सात बजे खा लेते हैं हमारे यहाँ पर ये यह ट्रेंड नहीं है रात को आठ नौ बजे खाने का वी ईट फूड एट फाइव एंड एंड दैट्स दैट्स अबाउट इट अ डिनर पाँच छह बजे जब खाते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट स्किप करके लंच खाते हैं और कुछ लोग मेरे जैसे भी हैं और मैंने मुलाजिम साहब को भी ये देखा था कि एक ही वक्त का खाते हैं दैट इज ट्वेंटी फोर आवर फास्ट ट्वेंटी फोर आवर फास्ट या सिक्सटीन आवर फास्ट उसमें आपकी अटोफिजी सबसे ज्यादा काम करिए तो नॉट ओनली इंसुलिन लेल गोज डाउन विच देन हेल्प विज रिमिशन बट ऑल्सो द इम्यून सिस्टम स्टार्ट रिस्टोरिंग टूवर्ड्स नॉर्मल तो बहुत सारी ऑटोम्यून डिजीजेस बहुत सारी इंफेक्शन जो हैं उनका हल होना शुरू हो जाता है मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ आपको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जरा सा डिफिकल्ट है हैंडल करना इसकी एक और स्पीशी है इसी फैमिली के एक और स्पीशी है नॉन ट्यूबुलर माइकोबैक्टीरियम जो कि एनटीएम कहलाता है एनटीएम की फर्दर दो टाइप्स हैं आर टाइप और एस टाइप दो स्ट्रेनस हैं उसके जो उसका रफ टाइप स्ट्रेन है अगर वो किसी को हो जाए तो उसके लिए वो डेथ सेंटेंस है विद इन 10 इयर्स एनटीएम ऑफ आर टाइप

जिनकी नॉन ट्यूबुलर माइकोबैक्टीरियल बैक्टीरियल हैं रेस्पिटोरी स्पेशली ब्रोंकियल इन्फेक्शन हैं उनको वो कह रहे हैं भाई आप ऐसा करें भाई बहन आप ऐसा करें कि आप ऑटोफेजी करें इंटरमिटेंट फास्टिंग करें सो so, चौदह से सोलह घंटों वाली चौदह से सोलह घंटों वाली जी, जी सोलह घंटे वाली अब सोलह घंटे में एक और चीज देखिए इसमें हमें इंसुलिन लेवल का फर्क पड़ रहा है हमें ग्लूकोज रिमेशन की तरफ हम जा रहे हैं हमें ऑटोफिजी का बेनिफिट हो रहा है जिससे इम्यून सिस्टम ठीक हो रहा है हमें एक और बेनिफिट हो रहा है अगर सोलह घंटे बली करें चौदवा घंटा जब आता है फास्टिंग का तो हमारे ब्रेन की जो जो वो है ग्लिम्फेटिक सिस्टम और ब्रेन की जो क्लीनिंग है ऑटोफी इन द ब्रेन वो ट्रिगर फोर्टीन घंटे पे होती है और तो होती है सिर्फ स्लीप के दौरान अगर आप जागे हुए हैं तो ब्रेन ये मैंने बात पहले भी अर्ज की थी जागे हुए तो नहीं करता वो कहते मैं चल रहा हूं तो मुझे क्लीनिंग की जरूरत नहीं है अगर आप ब्रेन को सोने दें और वो चौदहवा घंटा जो स्लीप वो है ऑटोफी का वो सोने के दौरान आए तो ब्रेन गेट्स क्लीन इस वजह से हमारे जो रोजों में अगर आप देखें तो आपको ये महसूस होगा कि यू एक्चुअली फील मोर फ्रेश एंड मोर फोकस्ड एंड मोर कंसनट्रेटेड वो जो कहते हैं ना वो सा चढ़ जाता है वो हंगर सेंटर स्ट, सेंटर का एक मसला लहदा है लेकिन फोकस हमारा ज्यादा हो जाता है सो आई वांट टू गो बैक हियर कि इस रिमिशन में इन्होंने ये किया कि दो दिन सिर्फ पोर्शन कंट्रोल सो आपके पास पेशेंट बैठा हुआ आप उसे कहते हैं जी आप रोज जो खाते हैं खाएं मेहरबानी होगी अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को जरा सा कम कर लें लेकिन दो दिन आपने 500 से 700 कैलोरीज और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह का चार्ट दिखा सकते हैं कि यहां से ये फूड लेनी 500 से 700 कैलोरी कैलरी दो दिन कोई भी डिसाइड कर लें हफ्ते के बाकी सारा ठीक है आप देखिएगा कि उससे डायबिटिस रिमिशन में चले जाते सिस्टमैटिक रिव्यूज शो दैट ईच ऑफ दीज ईटिंग स्ट्रेटेजीज कैन बी इफेक्टिव With reports of weight loss of up to 13% from the baseline weight, and that different intermittent fasting approaches achieve similar weight losses as a traditional continuous energy restriction approach. So, this is we have Now, I have written this paper, diagram. is a diagram. diagram, this diagram. Traditionally, हम कैसे manage करते हैं को और नया तरीका क्या है 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 अगर आप लेफ्ट पर देखें तो ऊपर उसमें की कि सेल्स भरते गए ग्लूकोज से ग्लाइकोजन से इंसुलिन कोशिश कर रही है कि ग्लूकोज अंदर जाए पर वो अंदर जा नहीं सकता ग्लूकोज बिकॉज सेल्स आर सेचुरेटेड ये बड़ा उलट है उससे जहां पर हम ये कहते हैं कि जी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई हुई है इस वजह से ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा भाई अगर इस इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा तो फिर सेल फैट कहां से बना रहा है उसको ग्लूकोज कहां से मिला फैट बनाने के लिए अगर आप ये कहें कि अच्छा वो चूके ग्लूकोज रह गया था ब्लड में तो वो चला जाएगा फैट बनने के लिए तो जहां पर उसने फैट बनना है वहां पर भी तो इंसुलिन से ही अंदर जाना है तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है तो ग्लूकोज तो पिकअप होगा ही नहीं फैट बनने के लिए तो फैट कहां से आई अगर आप टाइप वन डायबिटीज को देखें तो उनके पास इंसुलिन नहीं होती तो दे आर वेरी स्किनी अगर आप टाइप टू को देखें तो हम कहते हैं जी टाइप टू में मोटा हो जाता बंदा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब तो वही है कि इंसुलिन नहीं है या कम है तो अगर इंसुलिन कम है तो फैट कैसे बन गई तो ये जो लेफ्ट साइड पर है ये है जो ट्रेडिशनल हमारी मैनेजमेंट की अप्रोच है और जो थिंकिंग है वो ये है कि जी टाइप टू डायबिटिस हुई लिवर के अंदर जो है वो फैट्स बढ़ गई वो फैट्स जाके तो एक्सपोर्ट हुई वहाँ से वो पेंक्रियाज पे भी फैट्स गई वहाँ से वो बीटा सेल्स को उन्होंने खराब किया तो ये थ्यूरी है अब इसको रिमिशन में आप कैसे लाते हैं रिमिशन में लाने के लिए जब आप इंसुलनीमिया कम हाइपर इंसुलिनिमिया कम करते तो लिवर में फैट बननी कम होती देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप कार्बोहाइड्रेट कम खाएं तो फैट कम बनेगी या फैट कम खाएं तो फैट कम बनेगी अब सही कि आप हाइपर इंसुलिनिमिया कम करें तो फैट कम बनेगी अब हाइपर इंसुलनीमिया कैसे कम कर सकते हैं दो तरह से एक तो ये कि प्रोसेस्ड फूड कम कर दें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिससे स्पाइक्स आती हैं वो कम कर दें और दूसरा ये कि इंटरमीडियंट फास्टिंग कर लें इंटरमीडिएट फास्टिंग में वो बीन क्या है? So, चक्की का पिसा हुआ और एक होता है वो जो बिल्कुल साफ सुथरा किया हुआ है जो सफेद रंग है ये सफेद चावल है या जो आलू है यानी वो फूड्स जो प्रोसेस्ड है जो व्हाइट कलर की फूड्स है ना कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्ची फूड्स है वो अल्ट्रा इसका एक और भी तरीका है अगर आप फूड को देखें अगर आप फूड को देखें तो वो जो नेचुरल हालत वाली फूड है वो ना हो तो वो प्रोसेस्ड है वो किसी ना किसी फैक्ट्री से वो किसी ना किसी जगह से प्रोसेस होकर आई है जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें मसला ये है कि हम उनके इंग्रेडिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स निकाल कर उनको आपको फीड करते हैं जो लेस प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसके अंदर वो जो फॉर एग्जाम्पल गंदम की बात कर लें तो गंदम का ग्रेन और उसका कोट और उसकी प्रोटीन और वह सारा कुछ भी आटे में मिला हुआ साथ दैट इज़ लेस प्रोसेस फूड जो लेस प्रोसेस फूड है दैट इज एक्चुअली बेटर फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो आटा खाएं जिसके अंदर उसके गंदम का कोट भी साथ में मिक्सड है तो एक तो उसकी एब्जॉर्बशन कम होती है दूसरा उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फ्लावर है उसकी नस्बत और ये इस तरह की यहां पे यूएस में तो अब हर चीज ही अल्ट्रा प्रोसेस है यहां पे तो इतनी बुरी हालत हो गई कि अगर आप चिकन का टुकड़ा खाएं तो वो असल में पहले प्रोसेस करके उसका कीमा बनाकर उसको बिल्कुल क्लीन करके फिर उस कीमे से वापस चिकन का टुकड़ा ऐसे बनाते हैं कि जैसे वो चिकन का पैटी लगता है तो वो बहुत ही मतलब प्रोसेस करने के बाद उसको दोबारा नेचुरल लगाने की कोशिश करते हैं तो ये प्रोसेस फूड्स हैं अब यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि जब आपने फास्टिंग करवाई तो लिवर की फैट कम हुई क्योंकि इंसुलिन लेवल भी कम हुआ जब फैट कम हुई तो फैट कम एक्सपोर्ट हुई जिसकी वजह से फैट एक्यूमुलेशन भी कम हुई और सबसे अहम बात है पेंक्रियाज के ऊपर से फैट उतरनी शुरू हुई जो ही आपका पेंक्रियाज के ऊपर से फैट उतरना शुरू होगी उसी वक्त पेंक्रियाज अपना काम करना शुरू कर देगा और इंसुलिन जो है वो दोबारा से नॉर्मल फंक्शन में आ जाएगी एंड दैट इज रिमिशन सो so, इसमें अगर इस स्टडी को मैं समराइज करूं तो इसमें उन्होंने कैसे रिमिशन की थी इट्स वेरी सिंपल उन्होंने कहा जी आप हर दूसरे दिन फास्ट कर लें 24 घंटे का आज खाया तो कल खा लें या आप ये दो दिन छोटी कैलरीज 500 से 700 बाकी दिन जितनी मर्जी कैलरीज ऐसे कर लें या किसी भी और तरीके की फास्टिंग कर लें फास्टिंग का मकसद इंसुलिन लेवल कम करना है और कितनी भी आप तरीके ले लें कम कार्ब कम फ, आ, आ, फैट कम प्रोटीन ज्यादा कार्ब वट एवर यू डू इंसुलिन बढ़ती है दवाइयों दवाइयों से भी बढ़ती है में दो कैटेगरीज आजकल ऐसी हैं जो काम की हैं एक तो एस जी टू जो हैं इनहिबिटर्स वो ग्लूकोज को उठा के बाहर फेंकते हैं और दूसरे जो जी एल पी वन ब्लॉकर्स हैं जो जिनकी वजह से ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होता लेकिन इन सारी चीज़ों से बेहतर है कि बंदा इंटरमीडियंट फास्टिंग करके ग्लू ग्लूकोज और इंसुलिन के लेवल वैसे ही कम कर ले अच्छा जी ये दूसरी स्टडी मैं प्रेजेंट करने लगाऊँ इंटरमीडियंट फास्टिंग स्टडी है ये दिस अ ब्यूटीफुल स्टडी थेरापूटिक यूज ऑफ इंटरमीडियंट फास्टिंग फॉर पीपल विद टाइप टू डायबिटीज एज एन अल्टरनेटिव टू इंसुलिन इंटरमीडियंट फास्टिंग इंसुलिन का

ठीक है अगर कोई मॉर्बिडली ओबीज है कि उनकी लाइफ को खतरा है और वो फास्टिंग करके डिसिप्लिन में नहीं रह सकते तो ठीक है बेरियाट्रिक सर्जरी बनती है लेकिन आम जो हम लोग हैं हम अगर फास्टिंग कर लें तो हमें बेनिफिट वही है जो बेरियाट्रिक सर्जरी का ये स्टडी दिखाई गई आपको थेराप्यूटिक फास्टिंग इज डिफाइंड एज ए कंट्रोल्ड एंड वॉलेंट्री एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल कैलरी कंटेनिंग फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो भी कैलोरी फूड एंड ड्रिंक है, है? खास टाइम के लिए आपने नहीं लेना। रोज़े का हम सबको पता सच एज वाटर कॉफी टी एंड बोन ब्रॉथ सो जब आप पेशेंट से बात करें तो आप कहते हैं जी आप पानी पी सकते हैं कॉफी भी पी सकते हैं चाय भी पी सकते हैं यखनी भी पी सकते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता फास्टिंग को अगेन मैं मेडिकल मै, हूँ रोजे की बात नहीं कर रहा ये वो ले सकते हैं जितनी मर्जी ले लें इससे फर्क नहीं पड़ता ए जनरल मल्टीविटाम सप्लीमेंट इज इंकरेज चूंकि हम उनकी फूड को रिस्ट्रिक्ट करने लगे हैं, फाका करवाने लगे हैं, तो मल्टीविटाम अगर वो ले लें ले तो अच्छी बात है ना लें तो नॉर्मली फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उनको डे परिंग

वो ऐसे वक्त में आनी चाहिए कि जब चौदहवा घंटा आए तो उस वक्त आप सो रहे हो तो ब्रेन की हेल्थ भी आ जाती अब ये देखिए ये तीन पेशेंट्स की सीरीज है इस पेपर में ये पेपर मैं आपको दिखाता हूं इट्स अ वंडरफुल पेपर ये वाला पेपर है ये पेपर है थेरापूटिक यूज ऑफ़ इंटरमीडियट फास्टिंग तो अगर आप देखिए तो ये इसने मुख्तफ़ टेबल्स में पेशेंट्स का डेटा दिया हुआ है उनकी मुख्तु थेरेपीज दी हुई हैं उसके बाद उनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है फिर उनकी जिस तरह से एस बी ए वन सी चेंज हुआ वो दिखाए हुए हैं ब्यूटिफुल स्टडी इट्स आई वुड रिकमेंड अगर आप इसे पढ़ें लेकिन लेट मी एक्सप्लेन के उसने क्या किया इन लोगों ने तीन पेशेंट लिए देखिए इन पेशेंट्स का क्या हाल था कि ट्वेंटी ईयर्स से डायबेटिक पहला पेशेंट दूसरा पच्चीस साल से डायबिटिक तीसरा टेन साल से डायबिटिक और ये तीनों इंसुलिन डिपेंडेंट थे पहला पेशेंट चालीस साल का देखिए चालीस साल की उम्र का पेशेंट बीस साल से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में दूसरा फिफ्टी टू ईयर ट्वेंटी फाइव ईयर से इंसुलिन डिपेंडेंट तीसरा सिक्सटी सेवन ईयर टेन ईयर से इंसुलिन डिपेंडेंट इनकी कोमॉर्बिडिटीज क्या थी हाइपर टेंशन हाइपरकोलेट्रोलिमिया क्रोनिक किडनी डिजीज रीनल सेल कार्सिनोमा हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन ये आपको और हाइपर तो पार्ट है डायबिटीज का कि ये उसके साथ मौजूद होता है फास्टिंग कैसे करवाई इन्होंने अब ये जो टेबल है यू कैन एक्चुअली कीप इट विद यू एंड आप अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं फास्टिंग क्या करवाई थ्री टाइम्स पर वीक फॉर सेवन मंथ्स थ्री टाइम्स हफ्ते में तीन दिन फास्ट दूसरे को थ्री टाइम्स पर वीक फॉर अलेवन मंथ्स तीसरे को अल्टरनेट डे फॉर अलेवन मंथ्स सो आप पेशेंट के साथ बैठ कर उसकी जो पेशेंट का बॉडी हैबिटस है उसको देखते हैं आप उसकी ओबिसिटी का लेवल देखते हैं आप उसके वेस्ट का लेवल देखते हैं आप उसका मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखते हैं उसको देखने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह की फास्टिंग कर सकते, कर सकते हैं आप उनकी इंसुलिन डिपेंडेंस देखते हैं ये किस तरह की फास्टिंग कर सकते हैं देखिए स्टैंडर्ड इसमें तीन पर वीक या अल्टरनेटिव डे रिजल्ट क्या थे ऑल पेशेंट फॉलोड सिमिलर डाइटरी रेजिमेंट पेशेंट वन एंड थ्री फॉलोड ये मैंने अभी बात कर दी अब ये देखिए ऑन फास्टिंग डेज जिस दिन फास्ट कर रहे हैं उस दिन क्या करें द पेशेंट ओनली कंस्यूम्ड डिनर वेर एज ऑन नॉन फास्टिंग डेज द पेशेंट हैड लंच एंड डिनर तो पहला तो आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें एक मील तो उन्होंने वैसे उड़ा दिया एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि जिस दिन सिर्फ डिनर कर रहे हैं या लंच एंड डिनर कर रहे हैं उस दिन पानी कॉफी यखनी तो पी सकते हैं और कोई स्नैक्स नहीं वो कर सकते तो मैं जब पेशेंट से बात किया करता हूं कि जनाब आपने अगर इंटरमीडियंट फास्टिंग करनी है तो सबसे पहला काम आप ये करें कि जो आप स्नैकिंग करते हैं पहले वो खत्म करें अपनी हैबिट को तीन चार वीक लगते हैं उसको खत्म करते हुए पेशेंट की हैबिट बनाते हुए दूसरी स्टेज पे बोतलें और चाय जो इस तरह की चीजें चाय वैसे पी जा सकती है लेकिन शुगर के बगैर बोतलें पीनी बंद कर दें तीसरी स्टेज पर एक मील को स्किप करें तो यहां पर अगर आप देखें तो एक दिन जिस दिन फास्ट कर रहा है सिर्फ डिनर और जिस दिन नहीं फास्ट कर रहा उस दिन भी एक मील स्किप किया हुआ तो जाहिर है स्नैक्स भी सारे स्किप किए हुए ठीक है ये दिस इज द दिस इज़ प्रस्क्रिप्शन और ये सारे इंसुलिन डिपेंडेंट लोग थे लो कार्बोहाइड्रेट मील्स, मील्स उन्हें कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स कम रखें चावल कम रखें गंदम कम रखें डोनट्स कम खाएं इस तरह की चीजें मैं आपको भी वो चार्ट दिखाता हूँ पेशेंट वैब्स ये देखिए रिजल्ट क्या आया पेशेंट वन हिमोग्लोबिन ए वन सी अलेवन था इसका वहां से सेवन पर अलेवन से 7 पर इनिशियल डायबेटिक मेडिसिन इंसुलिन ये ले रहा था फाइनल एक मेडिसिन पे आ गया वो भी ओरल टेबलेट वेट लॉस देखिए इनिशियल वेस्ट सरकमेंस सो उसके बाद नंबर ऑफ डेज टू कम ऑफ ऑफ इंसुलिन पांच दिन पांच दिन के अंदर अंदर यानी पहले वीक की इंटरमीडियंट फास्टिंग इसने फास्टिंग की हुई थी थ्री फास्ट पर वीक यानी इसका मतलब है पांच दिन में उसने यह किया कि एक दिन खाया डिनर अगले दिन लंच एंड डिनर फिर खाया डिनर लंच एंड डिनर फिर खाया डिनर इन पांच दिन में उसका ग्लूकोज लेवल इतना कम हो गया कि दे डिड नॉट नीड इंसुलिन एनीमोर यह है बीस साल का इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट दूसरा पेशेंट 7.2 से 6 पर आया जो दवाइयां इंसुलिन लिस्प्रो ले रहा था कुछ भी नहीं चाहिए थी इंसुलिन जब इसकी स्टडी खत्म हुई और कितनी देर में इंसुलिन छूट गई एटीन डेज में और इसका भी वही था थ्री पर वीक सो so, एक दिन डिनर दूसरे दिन डिनर फिर डिनर लंच एंड डिनर फिर डिनर फिर दोबारा लंच एंड डिनर अगले दो दिन थ्री डेज ऑफ फास्टिंग 18 दिन में इंसुलिन खत्म तीसरा पेशेंट 6.8 से शुरू हुआ 6.2 पे चला गया 13 दिन में इसकी इंसुलिन मेटफॉर्मिन और इंसुलिन ले रहा था दोनों खत्म हो गई और उसके बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ी सो so, मेरी नजर में इन सब स्टडीज में ये वाली स्टडीज सबसे पावरफुल है क्योंकि ये स्टडी का हमारे जो रोज़े हैं उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है और उतनी स्ट्रेसफुल नहीं है लेकिन अब देखिए एक क्वेश्चन आपके जेहन में होगा कि इसका मतलब है कि रोज़ों में सारों की इंसुलिन छूट जानी चाहिए और मैंने ये काफ़ी देर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैंने ये देखा है कि इंसुलिन या दूसरी दवाइयां छूटने से मसला यह है हम खाते बहुत हैं रोज़ों में हम लोग शहरी में भी और फिर अफतारी में भी और फिर रातों को ज्यादा देर जाग कर रातों के दौरान भी मेरी नज़र में हम बाजू का तो जो रेगुलर डेज है उनसे ज़्यादा फास्टिंग में खाना शुरू कर देते हैं वी डिफीट द पर्पज ऑफ द फास्ट तो अगर हम ट्रू फास्ट कर लें तो थेरापूटिक उसका जो आउटकम है वो है यही कि इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर ये तीन आपके सामने स्टडीज पड़ेंगी अच्छा इससे अगली स्टडी पे जाते हैं सो so, एक हो गया पोर्शन कंट्रोल कि फाका करवाया लेकिन उस दिन भी 500 से 700 कैलोरी दी है दूसरा आपने ये देख लिया कि एक दिन डिनर दूसरे दिन लंच एंड डिनर वो भी देख लिया अब तीसरा है लो कार्ब डाइट विद सेलेक्टिव फूड्स ये बड़ी ही प्यारी स्टडी है यूके की स्टडी है ये जो पिछली स्टडी मैंने आपको दिखाई है ये कैनेडा की स्टडी है उससे पहले वाली ये जो स्टडी थी ये वाली ये यूएस की थी सो so यूएस की स्टडी कनाडा की स्टडी, ये जो है ये स्टडी है इसकी यूके की सो so ये डॉक्टर अनविन, इसको अगर आप गूगल करें तो इसकी काफी स्टडीज आपको नजर आएंगी इसी पे फास्टिंग पर और डायबिटीज पर सो डेविड अनविन जेन अनविन और उसके साथ अली असान एंड अदर इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा जी आई थिंक तकरीबन नाइन्टी फाइव हंड्रेड डायबिटीज के पेशेंट्स इनके क्लिनिक में थे इन्होंने उन सारों से कहा कि हम तुम्हें रिमिशन में लाना चाहते हैं उनमें से तीन चार सौ पेशेंट ने कहा कि ठीक है हम आपके साथ जो आप कहेंगे वो करने के तैयार हैं फूड के लिए उनको इन्होंने फोर्टी सिक्स परसेंट को रिमिशन में ले गए ये वो पेशेंट्स थे जो रेगुलर इंसुलिन डिपेंडेंट या दवाइयों के डिपेंडेंट डायबेटिक्स जो उनके पास रेगुलर आया करते थे

बिटवीन 2013 and 19 6 साल लंबी ये स्टडी है 9800 पेशेंट्स को उन्होंने बात की कन्वेंशनल वन टू वन जीपी कंसल्टेशंस वर यूज्ड सप्लीमेंटेड बाय ग्रुप कंसल्टेशंस सो ये उन्होंने अपना तरीका बता रहे हैं कि हमने क्या किया मेरी नजर में अगर आप पाकिस्तान को देखिए तो एक तो बड़ी इसकी एपिडेमिक है डायबिटीज की दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान में कोई एक क्लिनिक बन जाए या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए जो क्या फूड्स खानी चाहिए कैसे रोजा रखना इंटरमीडियंट फास्टिंग पाकिस्तान की फूड्स में से कौन सी फूड्स होनी चाहिए अगर ये एक डिसिप्लिन बना दिया जाए जो हर क्लिनिक में फिर पेश कर दिया जाए वो चाहे पी से जाए या और ऑर्गेनाइजेशन से तो हम पाकिस्तान में इनकलाब ला सकते हैं डायबिटिस को रोकने का दैट वुड बी सो बेनिफिशियल क्योंकि जब डायबिटिस होती है तो उस वक्त तो पेशेंट को समझ नहीं आती और जब उसकी कॉन्सिक्वेंस आते हैं रीनल फेलियर्स आती हैं एम्पिटेशन आती हैं इन्फेक्शन आती हैं न्यूरोलॉजिकल इशूज आते हैं कार्डिवास्कुलर इशूज आते हैं तो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाती अब देखिए ये मुफ्त का मुफ्त के सोल्यूशन हैं रोज़ा रख लो मुफ्त के solution है कुछ नहीं लगता इसमें ये देखिए इन्होंने ये कहा कि पेशेंट को हमने एजुकेट किया है कि हायर ग्लाइसीमिक इंडेक्स की फूड क्या है कम की फूड क्या है प्रोसेस्ड फूड क्या है नॉन प्रोसेस्ड फूड क्या है? क्या खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए? सिर्फ इतना एजुकेट कर दिया। तो देखिए क्या किया उन्होंने। By 2019, 128 of the practices practice population with T2D type 2 diabetes and 71 people with pre-diabetes opted in to work with them. For patients with type 2 diabetes, weight dropped from 99.7 kg to 91.4. पी वैल्यू देखिए सिग्निफिकेंट है पी इज 0.001 व्हाइल द मीडियन हीमोग्लोबिन सी ड्रॉप फ्रॉम 65.5 टू 48 48 नॉर्मल है और 65.5 मेरा कलर 78 के अंदर आती है और पी वैल्यू इसकी भी सिग्निफिकेंट है पी इज 0.001 फॉर पेशेंट्स विद टाइप प्री डायबिटीज हीमोग्लोबिन जो है वो ड्रॉप हुआ 44 थर्टी नाइन सो फोर्टी फोर पहले भी नॉर्मल है, है, कोई ड्रग नहीं चाहिए इन पेशेंट विद प्री डायबिटिसमोग होने दिया वापस नॉर्मल पे ले आए या क्या नुने? ये नुने चार्ट दिया पेशेंट को एंड आई वुड रिकमेंड ये अब ये जो डॉक्टर्स थे इन्होंने डिवेलप किया ये चार्ट इमेजिन कीजिए कि हम भी एक ऐसे चार्ट डिवेलप कर लें पाकिस्तान के लिए देखिए इसमें इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा जी बासमती राइस है इसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स सिक्सटी नाइन है सर्विंग साइज इसका एक सौ पचास अगर हो तो ये दस खाने के टी स्पून के बराबर चीनी है इसमें ये उन्होंने पेशेंट को समझा दिया कि देखो दस चीनियों के टी स्पून हैं अगर तुम 150 ग्राम खाते हो ये पोटैटो वाइट बॉइल्ड यानी जो स्टार्ची पोटैटो है इसके अंदर नाइन फ्रेंच फ्राइज में सेवन स्पेगेटी में से, छ स्वीट कॉर्न में चार फ्रोजन पीस में 1.3, बनाना में 5.7, एप्पल में 2.3, होल मील में थ्री ब्रोकली में 0.2, एग्स में जीरो जितने मर्जी खाएं बड़ी अच्छी बात है ये चार्ट उन्होंने दे दिया पेशेंट्स को और साथ में पेशेंट्स को गाइड कर दिया कि खाना कैसे इस की गाइडेंस देखिए इमेजिन कीजिए कि हमने इसी गाइडेंस को उर्दू में लिखा हो इन्होंने कहा जी आपने शुगर इट आउट ऑल टुगेदर जो टेबल शुगर है वो तो बंद कर दें क्योंकि शुगर के अंदर जो हमारे ये हम शुगर यूज करते हैं उसमें सुक्रोज है जिसमें ग्लूकोज भी है और फ्रुक्टोज भी है तो वो दोनों मिलके दे आर वेरी डेंजरस तो उसे तो बंद कर दें स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें जैसे चावल है या सफेद आटा है इस तरह के स्टारचिस को कम कर दें तो उन्होंने अपने वो यूके के हिसाब से ब्रेड पास्ता राइस ब्रेकफास्ट सीरियल्स इन्हें बंद करवा दिए ग्रीन वेजिटेबल्स आर फाइन अब जो ग्रीन वेजिटेबल है देखिए पोटेटो भी वेजिटेबल है तो कोई कहता है जी ठीक है आपने कहा था सब्जी खाएं तो मैंने आलू खा लिए आलू या इस तरह की जो दूसरी चीजें हैं जो स्टार्ची हैं वो नहीं खानी लेकिन जो बीन्स है फॉर एग्जांपल या दूसरी दू, ग्रीन वेजिटेबल पत्ते हैं दे आर टोटली फाइन फ्रूट अब ये हमारे एक गलत ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है कि यार फल खा लिया करो फल एक्चुअली फ्रुक्टोज जो प्रोड्यूस करने वाले फल हैं वो और भी खतरनाक हैं बिकॉज ग्लूकोज में सिर्फ वो कन्वर्ट हो सकते हैं दे आर नॉट एबल टू बी प्रोसेस इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी तो रिजल्ट ये है कि लिवर के ऊपर उसका प्रेशर आता है फ्रुक्टोज़ का उसको हैंडल करने का ग्लाइकोजिन बनती है या फैट्स बनती हैं ज्यादातर फ्रुक्टोज से सो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जो मर्जी फल खा लो हल में जो इंटरेस्टिंग फल हैं जो ग्लासीमिक इंडेक्स इनका ज्यादा नहीं है और जो ज्यादा ग्लूकोज नहीं कंट्रीब्यूट करते या करतेमिया नहीं करते वो बेरीज हैं हैं पेयर्स एप्पल्स हैं और बेरीज हैं बेरीज में स्ट्रॉबेरी रसबेरी ब्लूबेरीज दे आर टोटली totally फाइन लेकिन अगर आप बात करें बनानास की और ऑरेंजेस की और इसकी तो दे हैव अ ह्यूज है इंडेक्स एंड दे कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ फ्रुक्टोज तो फ्रूट में उन्होंने कहा जी ये ट्रिकियर है बनाना ऑरेंज ग्रेप मैंगो पाइन एपल ये इनमें शुगर बहुत ज्यादा इन्हें कम कर लें बेरीज यूज कर लें ब्लूबेरी रेसबेरी स्ट्रॉबेरीज एप्पल्स एंड पेयर्स ये ठीक है ईट हेल्थी प्रोटीन्स हेल्थी प्रोटीन्स में एनिमल प्रोटीन्स अच्छा ये जो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अमेरिका में तो बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है आजकल वो ये जी जो वेजिटेरियंस है वो कहते हैं हमारी वेजिटेबल्स की प्रोटीन्सट प्रोटीन जो एनिमल्स वाले हैं वो कहते हैं जो हैं, वो कहते हैं जी हम एनिमल्स खाते हैं तो जो वेजिटेरियन है वो कहते हैं तुम लोग जालम हो एनिमल्स खाते हो हमारी जो स्टमक है वो गाय जैसा नहीं है जिसमें जो वो चार स्टमक के कंपार्टमेंट्स हैं वो जो चू करती है फिर वापस लाती है दोबारा च्यू करती है हम वैसे नहीं है हमारा स्टमक वैसे ही है जैसे शेर का है या इस तरह की चीज जो कॉर्नीवर्स है तो हम बिल्ट नहीं है वेजिटेबल प्रोटीन्स खाली खाने पर और अगर खाली वेजिटेबल प्रोटीन खाएं तो हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती है। जो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हैं जो है हमारे लिए वो एनिमल प्रोटीन्स है एग की प्रोटीन्स भी ठीक है एनिमल भी ठीक है फिश भी ठीक है फैट्स आर फाइन इन मॉडरेशन ट्वेंटी से ज्यादा फैट फूड में नहीं होनी चाहिए लेकिन लो फैट भी नहीं होना चाहिए उसकी वजह क्या है वाई देर शुड बी फैट फैट वेन मिक्स विद कार्बोहाइड्रेट डिलेज कार्बोहाइड्रेट रिलीज यहां पर जो डायबेटिक्स है वो रात का जब खाना खाते हैं तो अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो साथ में फैट ऐड करते हैं तो वो सारी रात उसमें से ग्लूकोज मिलता रहता उनको सो फैट्स का जो काम है एक तो वो डायरेक्टली जो बेनिफिट देनी है वो देनी है दूसरा फैट का ये काम है कि कार्बोहाइड्रेट्स के रिलीज को कम करती हैं बीवेयर ऑफ लो फैट फूड्स तो लो फैट ना करें बिल्कुल चीज जो है ओनली इन मॉड्रेशन स्नैक्स को अवॉइड करें ईटिंग लॉर्ड्स ऑफ वेजिटेबल्स इज फाइन तो ये उन्होंने एक ये बना दिया और एक ये बना दिया अब इससे इन्होंने फायदा क्या लिया ये देखिए आई एम अमेज एट दिस स्टडी कितना सिंपल सा आपके सामने रखा उन्होंने इसमें फास्टिंग की बात नहीं करे वो उससे ये कह रहे हैं कि अच्छा आप ये फूड्स की टाइप्स बदलने रिजल्ट देखिए ये वर्टिकल कॉलम जो है वो डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन ए वन सी है और जो हॉरिज़ॉन्टल कॉलम है वो है इनिशियल ए वन सी तो फॉर एग्जांपल यहां से शुरू करते हैं कि किसी का अगर ए वन सी था सो सो जो वे आउट ऑफ एब नॉर्मल है राइट जो नॉर्मल है वो है यहाँ पर फोर्टी एट तो ये सो जो है वो फोर्टी एट से डबल से ज्यादा है वन सी इसको अगर आप देखें तो ये कितना ठीक हो गया ये देखिए ये फोर्टी के ऊपर आके इंटरसेक्ट सो वाले तो नॉर्मल हो गए किसी का अगर एक सौ चालीस था तो वो ड्रॉप होके तो सो के करीब आया हुआ है किसी का अगर एक बीस था तो वो ड्रॉप होके अस्सी से नीचे आया हुआ है टू नॉर्मल अगर वो सो के पास था तो देखिए वो नॉर्मल आ गया अस्सी और साठ तो वैसे ही ठीक हो गए फोर्टी सिक्स परसेंट तो बिल्कुल रिमिशन में चले गए सिर्फ इतनी केयर के साथ क्या केयर थी वो ये आपके सामने ये केयर और ये केयर सिर्फ ये एजुकेशन से पेशेंट ने कहा अच्छा ठीक है मैं मैं चावल नहीं खाता अब मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा टिप देता हूं जो मैं आखिर में मैंने लिखा हुआ भी है अगर पेशेंट कहे जी मैं नहीं रह सकता चावल के बगैर खाने मैंने चावल तो आप उन्हें कहें जी आप ऐसा करें उसके साथ कोई छोटी सी एसिडिक चीज ले लें फॉर एग्जाम्पल अचार थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा या लेमन के कुछ ड्रॉप्स या विनेगर के कुछ ड्रॉप्स तब तो अगर आप ये कहें कि इसका क्या फ़ायदा हुआ जब हम एसिड्स लेते हैं तो जो स्टार्चेज हैं हमारे वो ज्यादातर ब्रेक होते हैं अल्फा एम सलाइवा में और उसके बाद पेंक्रिया से पर मेजोरिटी सेवेंटी परसेंट आप ब्रोकन डाउन बाईस जब आप विनेगर या लेमन या पिकल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देते हैं तो हमारे जो माउथ के अल्फा एम हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं जब वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो वही चावल जिससे अगर हमें 70% ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलना है तो वो उसे कट के 50% कम हो जाता है यानी आधे खाए चावल अगर उसके अंदर एक ड्रॉप लेमन के जूस का डाला हुआ है या वो विनेगर डाला हुआ है या एक पिकल का छोटा सा टुकड़ा है। कोई भी एसिडिक चीज तो अगर वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने छोड़ने चावल मैं मैं इसके बगैर नहीं रह सकता तो आप कहें अच्छा ठीक है इस चावलों के ऊपर एक कतरा लेमन का जूस डाल लिया करो अच्छा जी ये आप ये देखिए फोर्टी सिक्स परसेंट रिमेशन एंड नाइनटी थ्री परसेंट प्रिवेंशन

फास्टिंग से इंसुलिन कम होती है कैलोरी से इंसुलिन कम नहीं होती सिर्फ फास्टिंग से तो इंसुलिन बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाती है ना कैलोरी से थोड़ी सी कम होगी लेकिन इट जस्ट गो लेकिन फिर भी इसके रिजल्ट देखिए ये देखिए ये 2018 की स्टडी है लैंडसेट में पब्लिश हुई थी प्राइमरी केयर लेड वेट मैनेजमेंट फॉर रिमिशन ऑफ टाइप टू डायबिटीज एन ओपन लेबल क्लस्टर रैंडमाइज्ड ट्रायल ठीक है प्राइमरी केयर में रिमिशन करा रहे हैं टाइप टू डायबिटीज को वेट लॉस वाज इंड्यूस सो इस स्टडी की जो प्राइमरी वो है क्वालिटी है वो थी कि इन्होंने वेट लॉस करवा के कंट्रोल की मेरी नजर में वेट लॉस करवा के कंट्रोल करना इज अ मोर डिफिकल्ट थिंग देन टू ट्राई विद इंटरमीडियंट फास्टिंग वेट लॉस के साथ इन्होंने क्या किया इन्होंने ये कहा कि जी आप पहले तो कुछ महीने डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर दें और कैलोरीज को ले आए सिर्फ 800-900 सौ नौ सौ पर देखिए रिप्लेसमेंट फेज यूजिंग अ लो एनर्जी फार्मूला डाइट इस डाइट में क्या था 59 परसेंट कार्बोहाइड्रेट 13 परसेंट फाइव ट्वेंटी परसेंट प्रोटीन 2 परसेंट फाइबर फॉर थ्री मंथ्स ये बड़ा मुश्किल काम है आप किसी से कहें कि 900 कैलोरी लेनी है तीन महीने तो वो उनकी चीखें निकल जाएंगी लेकिन इन्होंने ये किया एक्सटेंडेबल अपड बाई पार्टिसिपेंट फॉलोड बाई जब ये तीन महीने कर लिया उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब आप नॉर्मल फूड जो लेते थे उसकी तरफ वापस जाना शुरू करें टू टू एट वीक नॉर्मल फूड को रीइंट्रोड्यूस करते हैं वो क्या इनकी कॉम्पोजिशन थी फिफ्टी परसेंट कार्बोहाइड्रेट थर्टी परसेंट फैट एंड फिफ्टीन परसेंट प्रोटीन एंड एन ऑन गोइंग स्ट्रक्चर प्रोग्राम साथ में उन्होंने प्रोग्राम दिया हुआ था कि वेट गेन दोबारा ना शुरू करें

कंट्रोल so, में सिर्फ फोर परसेंट लोगों की ठीक होगी डायबिटिस और जो इंटरवेंशन ग्रुप था था उसमें 46 की डायबिटिस प्रैक्टिस जरा सी टफ है रिमिशन वेरिड विद वेट लॉस एंड सो ये बाकी डेटा उन्होंने दिया हुआ इसमें अच्छा आपको ये पता है कि सिर्फ पांच दस किलो कम करने से टिक ड्रग्स रिमिशन ऑफ टाइप टू डायबिटिस इज अ प्रैक्टिकल टारगेट फॉर प्राइमरी केयर और रिमिशन में यह बात इंपॉर्टेंट है कि हिमोग्लोबिन एवन सी नीचे चला जाए या फासिंग ग्लूकोज लेवल नीचे चले जाए प्लस

चीजें बोली जाती हैं वो ये है फॉर एग्जाम्पल कि फास्टिंग डैमेजिंग है इससे स्टारवेशन शुरू होती है फास्टिंग में स्टारवे स्टारवेशन का मतलब यह है कि बॉडी वुड एडजस्ट द मेटाबॉलिक यूज डाउनवर्ड्स अगर मुझे अपने कम खाना दिया तो मेरी बॉडी लर्न कर लेती है हाउ टू यूज लेस उसकी वजह से वेट गेन दोबारा शुरू हो जाता है क्योंकि फर्ज कीजिए मेरी कैलरी रिक्वायरमेंट थी पच्चीस सौ आपने मुझे दिए दो हजार मेरी बॉडी कुछ देर उसको देखेगी कि ये क्या हरकत हुई है पच्चीस सौ चाहिए था एम गेटिंग टू थाउजेंड तो बॉडी ऑल दैट लेकिन अभी भी जो 500 सौ एक्स्ट्रा है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा मैं फिर वेट गेन करना शुरू कर दूंगा दिस इज अ प्रॉब्लम दैट पीपल स्टार्ट not गेनिंग वेट अगेन tired I am eating less and I am still gaining weight. The problem is the body got adjusted. Avkopata, hali intermittent fasting is the only mechanism in which you give less food and you still get more energy. Wo study hai. This study shows, देखिए मैं इसके टाइटल को पढ़िए रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर इन शॉर्ट टर्म स्टार्वेशन इज इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन नॉरपिन इन्होंने ये स्टडी की कि जनाब आप किसी को फास्टिंग करवाते हैं तो उनके अंदर नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन रिलीज होती है, और उस रिलीज की वजह से एक्चुअली मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है सो so, रोजे में वी एक्चुअली यूज मोर एनर्जी तो क्वेश्चन ये क्यों सो इट टर्न आउट कि हमारी बॉडी एडजस्टेड है जब हम लोग हंटर गैदर हुआ करते थे जंगलों में फिरते थे अगर हमें उस वक़्त फास्टिंग होती थी तो इसका मतलब है हमारी बॉडी को ही पता चलता था कि इसने आज शिकार नहीं किया ये भूखा है यह भूखी है चुनाचे वट वी नीड इज द बॉडी थिंग्स

ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप जिसे कहते हैं पांच कैलोरी कम कर दो वो दोबारा वेट गेन करना शुरू कर देगा और कहेगा भी कि जनाब आपने कहा था पांच कम कर दे मैंने कम कर दी आप किसी से कहें कि तुम कहेंटरमीडियंट फास्टिंग करो तो वेट भी कम करेगा और डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी और उसकी एनर्जी लेवल्स भी ठीक होंगे आप बताइए आप रोजे रखते हैं कितनी मरतबा एनर्जी नीचे जाती ठीक है शाम के करीब हो जाता होगा थोड़ा सा लेकिन एनर्जी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो ये वो है इसका देखिए डिजाइन इसका स्टडी का रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर मेजर्ड बाय इनडायरेक्ट क्लोरीमीटर एंड हार्मोन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द डे वन टू थ्री फोर विद एटी फोर आवर स्टार्वेशन एटी फोर घंटे की स्टारवेशन दी उन लोगों को रिजल्ट देखें क्या है रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड सो so, ये जो लोग कहते हैं जी फास्टिंग से स्टारवेशन होगी जिससे मसल टूटेगा ये गलत बात है फास्टिंग से मसल नहीं टूटता वो भी उसकी भी स्टडीज पड़ी हुई है मसल इज नॉट हार्म फास्टिंग इन स्टेड ग्लाइकोजिन पहले यूज होती है तीन दिन उसके बाद फैट्स यूज होते हैं और एक्चुअली हमारा बेजल मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव करता है प्रोटीन को हम हार्म नहीं करते हमारी बॉडी इतनी बेवकूफ नहीं है कि जिस दिन फास्टिंग किया उस दिन उठा के मसल खा गई वो इतनी जो फैट इकट्ठी करके कर रखी हुई है वो किस चीज के लिए रखी हुई तो so, ये देखिए रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर इनक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्लस माइनस थ्रीन किलो जॉब पर मिनट ऑन डे वन देखिए थ्री पॉइंट नाइन सेवन से शुरू हुई है डे वन पे टू फोर पॉइंट फाइव थ्री ऑन डे थ्री एक्चुअली रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ गया है फास्टिंग के दौरान the increase in resting energy expenditure was associated with an increase in the norepinephrine concentration from 17.16 to whatever. serum glucose decreased, whereas insulin did not change significantly. can you imagine this? conclusion. resting energy expenditure increases in early starvation accompanied by an increase in plasma norepinephrine.

पंद्रह ग्राम डेली फैट उतरनी शुरू हो गई अल्टरनेट डे फास्टिंग वॉज फिजिबल इन नॉन बी सब्जेक्ट इन फैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज अब ये आखिरी स्लाइड है कुछ टिप्स जो आप पेशेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं नंबर वन डोंट ईट नेकेड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको वो चार्ट दिखाया जिसमें बासमती राइस वगैरह थे अगर खाने हैं चावल खाने हैं तो उनको एसिड के साथ कोई लेमन जूस पिकल विनेगर उसके साथ ऐड कर दें इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है तकरीबन फिफ्टी परसेंट रिड्यूस हो जाता है टेक कार्ब्स एट ऑफ द मील अगर जैसे हम वो जो मीठा है वो आखिर में खाते हैं कार्ब्स को अगर आप एंड ऑफ मील पे ले जाएं दैट मींस प्रोटीन या फैट्स पहले खाएं और फिर कार्ब खाएं तो कार्ब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आधा रह जाता है लेकिन अगर आप कार्ब पहले खाते हैं और उसके बाद प्रोटीन खाते हैं तो कार्ब का ग्लूकोज एंड इंसुलिन लेवल डबल हो जाता सो so कार्ब्स को अगर डिले करें तो अच्छी बात है मिक्स कार्ब विथ फैट्स एंड प्रोटीन फैट्स और प्रोटीन जैसे हम चावलों के साथ गोश्त खा लिया अगर तो उससे एक्चुअली एबजॉर्बशन और ग्लासीमिक इंडेक्स यानी अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर रिड्यूस हो जाती है क्योंकि प्रोटीन और फैट उसकी रिलीज को कम करते हैं और एब्जॉर्बशन को कम करते हैं अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं यार मैं ना एक्सरसाइज करने लग गया हूं तो मैं जाता हूँ वॉक करने के लिए शाम को जिस वक्त कार्ब खाएं अगर कार्ब कोई नहीं छोड़ता कार्ब खाएं तो उसी वक्त वॉक के लिए चले जाएं उसका फायदा क्या है कि देखिए कार्ब अगर खाए तो इंसुलिन भी गई और ग्लूकोज भी गया ऊपर जब वो ऊपर गए तो जितने घंटे वो रहे दो तीन घंटे उतनी देर अगर पेशेंट डायबेटिक है तो उसके टिश्यूज को नुकसान भी होगा अगर आप पेशेंट से कहते हैं तो उसी वक्त वॉक करने चले जाओ तो वॉक के दौरान मसल जो है वो वो ग्लूकोज उठाएंगे जो उसने अभी खाया चुनाचे इट वु ब्लंट द इंसुलिन एंड ग्लूकोज लेवल्स एंड रिड्यूस द डैमेज ऑफ द ग्लूकोज अगर पेशेंट कहते हैं नहीं मैंने करना तो आपके अच्छा ठीक है तुमने जब भी कार खाए उसी वक्त जाकर वॉक कर लो उसी वक्त वॉक कर लो शाम को वॉक करने का कोई फायदा नहीं फायदा है लेकिन इसको सही फास्टिंग इज द बेस्ट मैथड इस सारी बात का फास्टिंग इंटरमीडियंट फास्टिंग अल्टरनेट डे फास्टिंग चौदह घंटे फास्टिंग सोलह घंटे फास्टिंग वट एवर वे समबडी कैन डू इट दैट इज द बेस्ट मैथड क्यों देर इज नो फूड टू डाइजेस्ट देर इज नो इंसुलिन देर इज नो ग्लूकोज होल बॉडीज एनर्जी पूरी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो फैट के ऊपर चली जाती है कम करने से ये फर्क नहीं पड़ता एक्सरसाइज करने से ये फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आप फास्ट करवा देते हैं तो सारी बॉडी को फैट से ही आना है कुछ. ये मैंने भी आपको स्टडी दिखाई कि फास्टिंग से एक्चुअली मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है इन ऑफ कम हो जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इवन आल्टे फास्टिंग अनप्रोसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेन बीन्स प्रोटीन्स और फाइबर्स को मिक्स करके अगर खाएं तो अच्छी बात है फास्टिंग डज नॉट किक इन स्टारवेशन मोड ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टारवेशन में लोग ये कहते हैं जी वेट गेन होना शुरू हो जाता है याद है ये डिस्कशन अक्सर होती है जी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है स्ट्रेस हार्मोन आ जाते हैं वो वो स्टोर करवाना शुरू कर देते हैं चाहे कम फूड भी आए हो इसको स्टारवेशन मोड कहते हैं फास्टिंग में मैंने आपको भी ये स्टडी दिखाई कि फास्टिंग में एक्चुअली ये वाली जो स्टडी है स्टारवेशन मोड के बजाय एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है इट्स इज द रिवर्स ऑफ दैट और फाइनली प्यूबर्टी में ग्लूकोज लेवल बढ़ते हैं बिकॉज जरूरत होती है उनके बढ़ने की और प्रेगनेंसी में ग्लूकोज लेवल बढ़ते हैं उनको अनटिल के डेंजरस हों और वो ज़ाहिर है कि माँ को जीवा या नोबी के पास जाना चाहिए लेकिन वो जबरदस्ती उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है देर इज अ रीजन फॉर द ग्लूकोज टू इंक्रीज तो ये हैं जी डिस्कशंस

तो कितने क्वेश्चन की इजाज़त है अच्छा सर सवाल बहुत ऐसा बहुत है कि थोड़े से जी. एक दो तीन क्वेश्चन जो जरूरी मैं समझता हूँ ये रिमिशन सर आपने कहा कि 6.5 पे रिमिशन होती है ये एक मरतबा या दो मरतबा तीन मरतबा कि कब पेशेंट को मेडिसिन स्टॉप कराएं

एक दो तीन matchwa तो they are fine ji uh janan aslam sahab janan aslam sir assalamu alaikum janan aslam sir thank you very much a congress vet dr bumin sayyed excellent uh, for a wonderful excellent. talk wonderful talk to understand talk. the underpinning pathophysiological principles for development alone but disturbed insulin and glucagon ratio which is the causation for development of diabetes blighters. diabetes type 2 how, how will you comment on it good, good question. absolutely good so question. it's a beautiful question jabbi insulin level badeenge, suppress to glucagon. Ko. so mm -hmm. it is a natural change Ke insulin jabbari to glucagon kam hoga. Isi se jab insulin ko control karengi to glucagon so the, this is correct लेकिन दिस इज जस्ट अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म राइट थैंक यू थैंक यू जी सैयद जमीर हुसैन नकवी साहब ये डॉक्टर नहीं है बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के सादात के शजराए नसब को इकट्ठा करने का सैहरा इन्हीं पे जाता है सैयद जमीर हुसैन नकवी फ्रॉम बिलांग फ्रॉम मुल्तान जी शाह साहब जी शाह साहब जी शाह साहब अनम्यूट करें जी 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 शाह साहब जी जी अनम्यूट करें अनम्यूट करें साहब। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आ रही है डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। डॉक्टर साहब आम ए पेशेंट आप डॉक्टर मुबीन साहब ने रिमिशन की बात की है लॉस्ट फोर टू फाइव मंथ से मैं डायबिटिक की कोई मेडिसिन नहीं ले रहा लेकिन मेरी शुगर लेवल जो है 49 से 67 पे जा रही है जबकि मैं मीठा भी खा रहा हूँ सब कुछ है आई एम नॉट फीलिंग द केस क्या मैं रिमिशन की तरफ जा रहा हूँ अलबत्त मैंने अपनी डाइट को जो है वो कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम कर दिया है और मैंने सैलड और बीन्स और इस तरफ ज्यादा जो है वो दी तो है तो मैं डॉक्टर मुबीन साहब से ये पूछना चाहता हूँ क्या मैं रिमिशन की तरफ जा रहा हूँ आपने अपना जवाब जी, खुद दे दिया <laughs> है ना अपनी आप की तरफ जा रहे हैं अगर आप हीमोग्लोबिन ये जो नंबर्स आपने बोले ए वन सी ये ग्लूकोज लेवल है और मैक्सिमम जो है वो सिक्स अच्छा है, थीक थीक वैसे है। तो ये कम ग्लूकोज की तरफ है नंबर आप ये काम कीजिएगा प्लीज अपना ए वन सी देख लें

जी जी कैसा सجاد भाई आप अनम्यूट करें सवाल पूछें अच्छा अगर नहीं है तो डॉक्टर शर्मा कोती हेलो मेरी जी जी आवाज आ रही है आ रही आवाज ओके थैंक यू वेरी मच मैं uh, मैं समझता हूं कि uh, डॉक्टर मुबीन साहब ने जिस तरीके से आई मीन वेरी इनफॉर्मेटिव एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन और इससे अच्छा समझाया नहीं जा सकता मैं समझता हूँ तो वेल डन डॉक्टर मुबीन आपने बहुत अच्छा वो किया और आ, मैं चूंकि मेरी मदर वाज ऑल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और मैं खुद भी प्री डायबिटिक हूँ लेकिन चूंकि वॉक वॉक करता हूँ और जो आपने बातें बताई हैं उसको उसमें बहुत सी चीजें मैं अमल भी करता हूँ मेरे दो सवाल बहुत सारे हैं आपने इतना डिटेल में बताया है कि उसमें सवाल बहुत सारे कुछ के जवाब आपने बीच में दे दिए बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं। आई एम टी सर्जन मैं ओरल uh, कैंसर uh, के ऊपर काम कर रहा हूं और इसकी प्रिवेंशन पे चाहता हूं आजकल के अस्पताल uh, है नहीं और लोग जो है कैंसर में ज्यादा मुब्तला हो रहे हैं ओरल कैंसर पर्टिकुलरली इसी तरह से आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का काम यही है कि पब्लिक अवेयरनेस देना तो काइंडली एक जी, मेरी रिक्वेस्ट आपसे तो ये होगी बिफोर आस्किंग क्वेश्चन कि आप अगर हमें एक इंफॉर्मेटिव जैसा कि आपने बताया है उसको अगर हमें दे दें तो विथ योर रेफरेंस इट विल बी पब्लिसाइज्ड और हम जहाँ पर भी मीडिया में जाते हैं आपके रेफरेंस से ये बात हम करेंगे लोगों को अवेयर करेंगे ताकि ये एक बहुत बड़ा यकीनन आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा इशू है और और मैं इस पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो बाजारों में चिप्स है या फ्रेंच फ्र, फ्राइज क्या है ये जो फ्राइज जो एक दुकान छोटे छोटे गलियों में खुल गया है कि वो आलू के चिप्स बना के और बेचते हैं तो ये सारी चीजें जो है ना हमें इसको खत्म करना पड़ेगा विद विध योर हेल्प और विद योर गाइडेंस नंबर एक नंबर दो बात ये है कि क्वेश्चंस की तरफ मैं आता हूँ कि एक चीज मुझे बताएं कि पेशेंट जो है हमारे वो अक्सर कहते हैं कि आ, मैं डायबिटिक भी हूँ लेकिन कंट्रोल हूँ कंट्रोल में और मैं बहुत कम मल्टी यूज करता हूँ लेकिन उस केसेस में बाज दफा देना पड़ता है तो क्या हम इसमें मल्टी वाइटामिन दे सकते हैं कि वो डेली यूज करें या इसको मल्टी वाइटामिन नहीं दे सकते नंबर एक नंबर दो बात ये दूसरा मेरा सवाल ये कि आपने बता दिया कि फास्टिंग के दौरान कि मैं चाय पी सकता हूँ और पानी ले सकता हूँ तो इसमें क्या हम कोई जूसेस भी ले सकते हैं नंबर एक नंबर दो बात यह है कि कभी कभार एनर्जी लेवल लगता है ये कि यार साइकोलॉजिकली भी हो सकता है और वैसे भी कि ये फील होता है यार कि मुझे छत भूख लग रही है या मैं अः मुझे हेडेक हो रहा है मुझे मुझे होता है ऐसा अक्सर मैं दोपहर पे स्किप करता हूँ तो मुझे हेडेक होना शुरू हो जाता है तो क्या उस सूरत में हम खजूर ले सकते हैं और खजूर का क्या रोल है फास्टिंग के अंदर अः कि लोग अक्सर बहुत सारा एक खजूर के बजाय बहुत सारे खजूर खा लेते हैं तो क्या इसका असर होगा हमारे ग्लूकोज लेवल पे इसके अलावा आपने एक बात की है, की। है वॉक करने तो तो हम तो मरीजों को ये बोलते हैं कि जी आप लोगों को कहते हैं कि जी आप सुबह उठकर वॉक जो तो सुबह तो ये एमटी स्टमक होते हैं आपने अभी एडवाइस किया जो कि मुझे लिए पहली दफा मैंने ये बात सुनी कि आप कार्ब लेके अब कार्ब लेने का मतलब ये है कि लोग जिस तरह से खाना खाते हैं घर पे रोटी चावल खा लेते हैं इसी तरह से शादी ब्याह में बड़ा बहुत सही तरीके से खाया जाता है तो क्या उसके बाद कौन करेगा वॉक हम उसको वॉक का कैसे कह सकते हैं तो ये तो बड़ा एक हमारे लिए मसला बन जाएगा कि जब हम उसको कहेंगे कि भाई आप खाना खा के और आप ये काम करो और आखिरी चीज वैसे बहुत सारी और भी चीजें लेकिन आखिरी चीज में बात करूंगा कि एच क्या ये एक ऑथेंटिक टेस्ट है

तो विटामिन बिल्कुल उन्हें दें फास्टिंग के दौरान भी दें या वैसे भी दें यहाँ पर यूएस में एक डॉक्टर है डॉक्टर जो विटामिन और सप्लीमेंट्स और रिवर्स ऑफ एजिंग रिवर्सल ऑफ एजिंग पे बहुत काम करते हैं उनका ये कहना है कि विटामिन को आल्टरनेटिव डे पे दें ताकि आपकी बॉडी आधी ना हो जाए अडेप्ट कर जाए एक दिन दें एक दिन ना दें सो शॉर्ट आंसर है कि विटामिन बिल्कुल देने चाहिए दूसरा है कि वॉक का के के या जी।, जी सो देखिए जो सुबह को वॉक करते हैं बिल्कुल करनी चाहिए उन्हें जो शाम को करते हैं उन्हें भी करनी चाहिए लेकिन जिनको आपने ये एडवाइस किया कि देखो हम ये चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज को रिमिशन में लाएं तो आप अपनी ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं कम करें तो वो अगर कहते हैं कि मैं नहीं कम कर सकता या मुझे कभी दिल चाहता है मैं खा लू तो फिर आप उनको ये एडवाइस करें कि अगर ऐसा हो तो फिर कोशिश करें कि उसके साथ ही जो एडजेसेंट आवर है उसी के अंदर अगर वॉक कर लें तो वो उसी वक्त यूज कर लेंगे उसका नुकसान नहीं होगा क्योंकि असल में तो में तो इंसुलिन लेवल्स को बचाना है कि उनका नुकसान ना हो तो अगर आप वो फौरन कम कर लें तो नुकसान नहीं होगा खजूर और शहद पे भी देखिए जी यहाँ जी, पर ये बात बड़ी कॉमनली इस्तेमाल होती है कि जब आप किसी को रिमिशन में ला रहे हैं तो उन्हें आप उसको एजुकेट करते हुए ये कहते हैं कि अगर महसूस हो कि आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं हेडेक हो रही है या स्वेटिंग हो रही है या दिल को मसला हो रहा है तो फिर आप फौरी तौर पर शुगर ले लें तो ये जो खजूर है इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग शुगर तो बिल्कुल ठीक है बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए पर एक दो खजूर खा के अपने आप को नॉर्मलाइज कर सकते हैं आप हनी हनी शायद जी हनी भी इसी तरह से बिल्कुल लेना चाहिए हनी इज अ वेरी गुड थिंग सिर्फ ये कि ये नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा हो जाए क्योंकि फिर उसका जो मकसद है वो फोट हो जाएगा जी डॉक्टर थलमा कोंदी अच्छा जी इट वाज सच अ नाइस टॉक डॉक्टर मुबीन एंड दिस स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम कूल बीन लेकिन जो मैंने अर्ज किया है वो यही है क्या आजकल हमारा रमजान जा रहा है चौदह से लेके पंद्रह घंटे पाकिस्तान में तो अगर हम अजान के टाइम पानी पी लें और फिर नमाज पढ़ लें नवाफिल पढ़ लें एक घंटा किसी तरह गुजार लें सोलह घंटे हो जाते हैं वी कैन एक्सटेंड द फास्ट टू 16 आवर्स जिसमें ऑटोफेजी शुरू हो जाती है तो दिस वाज जस्ट अ स्टेटमेंट आई वांटेड टू मेक दूसरा हमारे प्यारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी थर्सडे एंड मंडे रोजा रखते, रोजा रखते थे जो आप एडवोकेट कर रहे हैं अल्टरनेट और uh, वीक फास्टिंग, वो अगर हम उस तरह करें तो वो भी कवर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बट माई क्वेश्चन टू यू नाउ इज मोस्ट ऑफ अस आर कंट्रोल डायबिटिक्स जिनका एच पी ए वन सी फाइव या सिक्स की रेंज में जा रहा है और ठीक होता है फास्टिंग शुगर भी और रैंडम भी So हैन सी के आज कल यहाँ परम्लोबिन तो ए वी या फूकोज को तो छोड़ दिया शुरटर मिल जाते हैं मेंखले 100 200 डॉलर का सेंसर है वो उसको लगा देते हैं बाजू में या पीछे और आपके जो फोन है उसके ऊपर हर वक्त विद इन एवरी 10 टू 15 सेकंड वो आपको ग्लूकोज लेवल बताता है और आपको एक्सपेक्टेड ए1सी बताता है तो यहाँ पर तो वो कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर पर चले गए हैं वो इन दो को तो छोड़ दिया इन्होंने स्टिल हीमोग्लोबिन ए1सी अगर आपका नॉर्मल है तो फिर आप ड्रग रिट्रैक्ट अगर तो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है तो आप जो दूसरी दवाइयां खा रहे हैं वो छोड़ सकते हैं छोड़ने के बाद वही प्रैक्टिस अपनी जारी रखें इंटरमीडिएट फास्टिंग की और देखें कि क्या आपका हीमोग्लोबिन ए सी ठीक चल रहा है अगर उसके दौरान फास्टिंग का ग्लूकोज देखना चाहते हैं तो दैट इज फाइन एज वेल टू फर्दर कैलिब्रेट लेकिन ए इज द करेक्ट वन तो तीन महीने आप गुजार सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए दवाइयां छोड़कर अगर इंसुलिन नहीं ले रहे अगर इंसुलिन ले हैं तो जरा सा ज्यादा ख्याल करना पड़ता है जो मैंने आपको स्टडी तीन बंदों की दिखाई थी इनको तो उन्होंने जो ही शुरू करवाया था इंटरमीडियंट फास्टिंग तो उसके पांच से दस दिन के अंदर उनकी इंसुलिन रुक गई थी डॉक्टर जी डॉक्टर

जी सो so तो उस यूनिवर्सल रिकमेंडेशन में तो मैं आपको जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की मैंने रिकमेंडेशन पढ़ी थी उसमें वो ये करते हैं कि वो कहते हैं किस तरह की फूड खाते हैं आप और बॉडी टाइप क्या है उसके मुताबिक लेकिन जनरली अगर आप टाइप वन डायबिटीज को हटा दें क्योंकि उसकी मैनेजमेंट के और मा मामलाते हैं अगर उसको हटा दें तो इंटरमीडियट फास्टिंग कोई भी जो करेगा उसका इंसुलिन लेवल कम होगा उसका ग्लूकोज लेवल कम होगा वो रिमिशन में जाएगा हर सूरत में जी प्रोफेसर मनाल प्रोफेसर मनाल हाँ जी सर आवाज आ रही है आपको मेरी कैसे प्रोफेसर नियाजी कैसी हैं आप ठीक है जी जी हाँ जी जी आ रही हाँ जी सर इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव टॉक मुझे सर ये पूछना था कि मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वन मंथ से तकरीबन वन फोर्टी या वन थर्टी आती है लेकिन एच जब मैंने कराया तो वो इट वॉज फाइव पॉइंट सेवन तो जी और बाकी जो ब्लड शुगर रैंडम है वो भी मेरी सर नॉर्मल आती है 120 रहती है जो 130 से ज्यादा नहीं आती तो मुझे जो कंसल्टेंट डिफरेंट ने एडवाइस किया कि आपको डॉन हाइपरग्लाइसीमिया है तो उन्होंने कहा कि आप जो रात को लेट नाइट एक मील हल्का सा लाइट सा ले लें ताकि आपको डॉन हाइपरग्लाइसीमिया ना या फिर उन्होंने कहा कि आप ग्लूकोफेज रात को लेना शुरू कर दें तो सर मुझे ये बताएं कि आ, ये जो मतलब मेरी जो एच ठीक है रैंडम ठीक है तो सिर्फ फास्टिंग से मुझे ग्लूकोफेज स्टार्ट करनी चाहिए और इंटरमीडियंट फास्टिंग अगर मैं करती हूँ तो मेरा तो बहुत प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग हो जाएगी रात को तो फिर वो हाइपरग्लाइसीमिया ज्यादा हो जाएगा डॉन जी जो ये जो डॉन इफेक्ट या सेमोगाई इफेक्ट है ये हम सब में होता है तो, तो इसका और ये होता है फॉर वन आवर और सो सो क्वेश्चन जो असल में पूछने वाला वही है कि क्या वो इतना लेवल बढ़ा हुआ है कि एक घंटे में नुकसान करेगा तो आइडियली तो एक घंटे में इतना नुकसान नहीं होता अगर आप चाहें उसको मैनेज करने के लिए वैसे तो आप डॉन इफेक्ट के वक्त पे नॉर्मली पाँच छः डॉन के वक्त का इसलिए सिसम होगा या डॉन इफेक्ट कहते हैं तो उस वक्त ना चेक करें उससे आगे या पीछे चेक करें तो ये फाइन अगर आप उसको मैनेज करना चाहें तो फिर आप ये कर सकती हैं कि रात को जो आपने खाया है उसके साथ कुछ फैट्स खा लें बजाय कि आप लेट खाएं या बजाय कि आप दवाई खाएं आप उसको जो कार्ब प्रोलॉन्ग करने के लिए गोश्त की एक बोटी खा लें या कोई फैटी सा अगर गोश्त है वो खा लें तो उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो जाता है और ज्यादा देर तक उसकी जो रात को ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहते हैं जी और सर सर अगर तो मैं तो सर सर अगर अगर मैं जी इसको कंट्रोल मैं अगर ना कर सकूं तो ये डैमेजिंग है देखिए ये एस... नॉर्मली होता है एक आध घंटे के लिए तो अगर आप इसको कंफर्म करना आपका है जी जी आपका ए वन सी ठीक है वो नहीं हो रहा हाँ एक आध घंटा जिस वक्त ये ज्यादा वो तो खाने के बाद भी दो एक घंटे ज्यादा रहता है तो नॉर्मली इट इज नॉट दैट बैड आप ये कर सकते हैं कि आप जिस चेक चेक कर कर लें, उसके घंटे बाद फिर है। आपकी वंडरफुल टॉक। उर्दू बहुत अच्छी है एक तो आपको है कि आप अपनी ज़ुबान में लोगों को बहुत खूबसूरती से अच्छे अंदाज में आपने समझाया बहुत शुक्रिया अच्छा आई गॉट टू क्वेश्चन लॉस वी यूजली सी देश फॉर They undergo muscle wasting और उनकी जो है ना वो ट्रंकलिटी कम हो जाती है लेकिन वो यूजली इट डेन ऑफ एंड इट स्टेज तो आपसे ये पूछना मुझे तो ये था कि ये जो मसल वेस्टिंग है ये जो हम है। है। जी फास्टिंग में फास्टिंग में ये बढ़ तो नहीं जाती सेकंड मुझे ये पूछना था कि ये क्या लाइपोसक्शन या और तरीके से आप ये जो आपकी बॉडी की ये सिमेट्री है इसका निकलवाने का कोई फायदा है जी ता क्योंकि लोग रहे रहे शेप और की होते हैं। जी. So, पहली बात ये जो आ, ये जो मसल वेस्टिंग है नॉर्मली आपको शोल्डर्स जो हैं और ये एरिया नजर आता है कि वो पेशेंट का आ, कम होना शुरू हो जाता है तो बेसिकली अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करने लग जाए तो एक्चुअली मसल वेस्टिंग रुक जाएगी सो so, अगर इंटरमीडियट फास्टिंग कर रहे हैं और अगेन इंटरमीडियंट फास्टिंग करें स्टारवेशन का मतलब है तीन दिन से ज्यादा फाका तो so, वो तो फाका नहीं करना वो आप विद इन वन डे उसे रखेंगे या एक दिन फाका और एक दिन खाना तो उसमें मसल वेस्टिंग नहीं होगी एक्चुअली जो ही डायबिटीज कंट्रोल होने शुरू हो जाएगी तो मसल वेस्टिंग कम हो जाएगी ये जो मसल वेस्टिंग है ये निशानी है अनकन्ट्रोल डायबिटीज की Okay. जो दूसरा आपका था सवाल ये सवाल मेरे, मेरे का जवाबी नहीं, नहीं, एक एक था उसकी लोग अपनी जगह पर अगर ये मुश्किल हो रही है कि फैट को मैनेज नहीं किया जा सक रहा तो एक करवाने में कोई हर्ज नहीं है मैंने वैसे ये देखा है कि जब लाइफन हो जाती है तो लोग फिर दोबारा खाना शुरू कर देते हैं बिकॉज़ मैं दोबारा करवा लूंगा ये कंट्रोलेबल हो जाता है मे, मेरी नजर में उसकी जगह पे अगर ये विगोवी या जो ये है सेमाग्लूटाइड की जो दूसरी एक और है ओजिक जो है या विगोवी उससे अगर अगर कोई कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं वो ज्यादा है, है है, है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है जी एल पी वन का एनालॉग है फास्टिंग कम होगी तो इंसुलिन लेवल और ग्लासीमिया दोनों कम होंगे विच इज इक्वल टू इंटरमिटेंट फास्टिंग ज्यादा आप कुछ पूछ रहे थे जी, मैं, मैंने ये पूछा था कि जो हम अल्टरनेट फास्टिंग uh, करते हैं अगर तो उसमें uh, क्या चीजें हम ले सकते हैं जैसे आप बताया था कि ये uh, चाय या पानी इस तरह की चीजें ले सकते हैं तो क्या इस दौरान जूस भी ले सकते हैं ये चाय हाँ जी जूस की बात हुई थी देखिये मीठी चीज नहीं नहीं मीठी चीज नहीं ले सकते कार बाय वो नहीं अच्छा, ये ले सकते हैं जो फ्रूट चाट वगैरह या

जो आजकल वाटर मिलन है या ये खरबूजा और तरबूज और इस तरह की चीजें क्या ले सकते हैं नहीं जी इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है तो ये ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज को बहुत ज्यादा ऐड करते हैं जिससे हाइपर इंसुलिनिया होती है जो फ्रूट्स हैं उसमें बेरीज जो हैं रसबेरी स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी और एप्पल और पियर्स दीज आर गुड जो बाकी हैं उनके अंदर ज्यादा फ्रुक्टोज है ये लास्ट क्वेश्चन प्रोफेसर राजेश साहब प्रोफेसर राजे साहब लास्ट क्वेश्चन राइट मैं सर इसका मैं के बात कर रहा हूं इंसुलिन पे के क्या पेशेंट को इंसुलिन शुरू कराने या बंद कराने पे या दवाइयां देने से पहले सीरम इंसुलिन लेवल मेजर करने की कोई इंपॉर्टेंस है मेरा फिजियोलॉजी में ये क्वेश्चन है सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन सो बेसिकली तो मैं हैरान होता हूं कि अभी तक मार्केट में इंसुलिन लेवल मेजर करने वाले टेस्ट ज्यादा नहीं आए हुए यहाँ पे अमेरिका में जो है वो वो रिसर्च के लिए तो इस्तेमाल होते हैं लेकिन वैसे नहीं है तो मैं आज भी सोच रहा था कि अगर ये हाइपर इंसुलिन का अगर कोई टेस्टिंग का सिस्टम बन जाए जो बड़ा आसान शायद बनाना तो इससे बहुत पूरी डायबिटीज की मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स ही बदल जाएंगे तो ये इंसुलिन के लेवल को मैनेज करना या अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है टेस्ट सिर्फ इस वक्त मौजूद नहीं है जी प्रोफेसर जायद अजीम साहब आप कुछ कहेंगे प्रोफेसर जायद अजीम साहब प्रोफेसर जायद अजीम साहब जी प्रोफेसर जायद अजीम जी जी सर ये बड़ा जबरदस्त लेक्चर था हम लोग सर पढ़ा तो हो रहे होते हैं बच्चों को आ, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जाहिर है आ, ऐसे बुक्स में नहीं मिलते सर ने रिसर्च आर्टिकल से वो निकाले फॉर एग्जांपल हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस को बता तो रहे होते हैं कि ये दस साल तक

इट uh, और uh, बहुत ही अहम uh, जो टिप्स हैं वो आज दी कि किस तरह से हमें लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए क्या हमारे ईटिंग हैबिट्स होने चाहिए क्या हमारा सिलेक्शन ऑफ फूड होना चाहिए और फिर प्रोसेस्ड फूड के हवाले से जो बातें की आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी वाइटल टू नो दैट और uh, जैसे कि गुफ्तु हो रही थी कि पीएमए के, के प्लेटफॉर्म से ये आगाही मिलनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में डिस्पाइट फैक्ट कि जी हम हमारे जो है मोर देन फिफ्टी परसेंट बिलो द पॉवर्टी लाइन है और हमें इतने उबीज जो है पॉपुलेशन नजर नहीं आती उसके बावजूद हमारे यहाँ डायबिटीज बढ़ रही है और इंटरमीडियंट uh, फास्टिंग इसकी इंपॉर्टेंस और uh, बहुत ही बहुत ही मैं कहूँगा कि uh, कम्प्रीहसिव जो है ये आज की प्रेजेंटेशन थी और मैं तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मुबीन से कि जो टिप्स हैं और जो स्टडीज कॉन्सेप्ट चेंजिंग उनको उर्दू के अंदर आसान फेहम गाइडलाइंस आप मुलाजिम साहब और... उर्दू में लिख दूंगा ये सारा कुछ उन्होंने बोला ना, ना उर्दू में लिख दूंगा आपको बिल्कुल और ये फिर आम लोगों तक पहुंचना चाहिए और इस पे हमें बहुत काम करने की जरूरत रहे थे और आ, मैं समझता हूं कि आज जो पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ मौजूद थे उन्होंने बहुत अहम सवाल और खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि हमें यह हाइपर को जो है मेजर करने के लिए क्योंकि उससे बहुत सी चीजें आगे बढ़ती हैं और मुबीन साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है और मेरा ख्याल है कि एज पथोलॉजिस्ट आप हुए रफी खानानी हुए वर्क ऑन इट इसको डेवलप कर सकें कि ये टेस्ट भी जो है आम आदमियों की आम लोगों की पहुंच तक हो सके और फिर इसकी मैनेजमेंट हो सके तो थैंक यू वेरी मच मुलाजिम साहब थैंक यू वेरी मच मैडम सलमा कुछ एक सवाल साहब आप भी कर लेट इज द रोल ऑफ सिगरेट स्मोकिंग Uh, uh, तो uh, तो कहूंगा कि हमारे यहाँ जो ये अब पैक्ड uh, मिल्क और उसके ऊपर बात होती है और uh, उसकी सारी इन्ग्रीडियंट जो है सारे मोडिफाई कर दिए जाते हैं और मिल्क uh, का इस्तेमाल तो बहुत है तो आई uh, थिंक uh, मुबीन साहब किसी वक्त uh, इस पे भी बात करेंगे और ये प्रोसेस्ड फूड और फिर हमें वापस बैक टू यू नो अनप्रोसेस्ड फूड पे जाना चाहिए आई थिंक इट वाज वंडरफुल वंडरफुल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुबीन देयर आर सो मेनी चैट्स आई कैन नॉट रीड बिकॉज़ इट्स योर टाइम इज ओवर एंड इंशाल्लाह होपफुली आई विल लिसन योर लेक्चर ट्वाइस एंड थ्राइस देन आई विल

दोनों तो, में दोनों में कर, कर दोनों में, में उर्दू में लिखना बड़ा मुश्किल होगा मुझे, मुझे सुनना आप दे अंग्रेजी दे में अगर आप सिर्फ इंग्लिश में हमें भिजवा दे हम देवा दे दे दोनों में दोनों दो, में कोई इशू नहीं होगा तो प्लीज अंग्रेजी में जरूर भिजवा दो घंटे से हम सब बैठे सुन रहे हैं और आपके ऑडियंस की भी कम नहीं हो रही नहीं हो रही मच थैंक यू सो मच आप काफी लेट हो गए हैं और शहरी का आपका टाइम हो रहा है हमारी दुआएं आपके साथ हैं अल्लाह आपकी उम्र दराज करे so we'll uh, और यूर सन ऑफ पाकिस्तान इसी के कंटिन्यूटी के साथ पिछली दफा एक अगले संडे को एक वर्कशॉप है कि अपनी यादाश्त को कैसे बढ़ाते हैंड और वर्कशॉप फिजियोलॉजी की तरफ से होगा